This conference will now be recorded. ओके गाइस, चलो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग जस्ट सैफ्ट तक कर चुके थे, मतलब सैफ्ट तक कंप्लीट हो गया था। तो प्रीवियस क्लास के बारे में किसी का कोई भी दिक्कत है या फिर कोई भी कुछ डाउट है, तो अगर डाउट या फिर कुछ दिक्कत हुआ तो मुझे बोल सकते हो। मतलब सैफ्ट मैंने पिछले मतलब कल जो लास्ट हुआ था वो हुआ था, सैफ्ट वाला पोर्शन हुआ था। तो किसी का कोई भी दिक्कत है पहले बताओ। मेरा ऑडियो क्लियर है ना? ऑडियो और ये जो वीडियो जो है, वीडियो वाला कंप्यूटर स्क्रीन वाला पोर्शन सब क्लियर देख पा रहे हो ना? अगर किसी का कोई भी ऑडियो में दिक्कत हो रहा है या फिर वीडियो देखने में दिक्कत हो रहा है तो मुझे बोलना, ठीक है? तो मैं उस हिसाब से ठीक कर दूंगा। ओके चलो, ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है चलो। ओके ओके रंजीत, ठीक है चलो। तो चलो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट हुआ था सैफ्ट, लास्ट हुआ था हम लोग का। आज जो देखेंगे नेक्स्ट जो पोर्शन है वो पोर्शन है ग्रुप वाला पोर्शन। ठीक है, ग्रुप आप कैसे आप लोग ड्रॉ करोगे या फिर ग्रुप कैसे आप क्रिएट करोगे, इसका एप्लीकेशन क्या है वो हम लोग दिखाएंगे। घर में वीडियो रिकॉर्ड मैंने आप लोग को भेज दिया है, ठीक है? आप लोग थोड़ा देख लेना, वीडियो रिकॉर्ड मैंने भेज दिया है, ठीक है, ग्रुप में भेज दिया है, एक बार चेक करके देख लेना। अगर किसी का कोई भी दिक्कत हो, समझने में किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो लोग वीडियो रिकॉर्ड देख लेना, चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो। आज नया जो पोर्शन है वो पोर्शन है ग्रुप। ग्रुप किस काम के लिए हम लोग यूज करेंगे एक बार देख लेना, ठीक है? तो ग्रुप क्या होता है, ग्रुप वाला पोर्शन जो होता है वो आप लोग पुली तो देखे हो ना, पुली, मैकेनिकल पुली। तो आप लोग बहुत सारा स्टूडेंट लास्ट ईयर में हो या फिर बहुत सारा स्टूडेंट पास आउट भी हो गया हो या फिर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जो में भी हो आप लोग, तो कोई भी स्टूडेंट बोल सकते हो ग्रुप मतलब पुली, जो मैकेनिकल पुली होता है वो मैकेनिकल पुली हम किस काम के लिए यूज कर सकते हैं, मैकेनिकल पुली का एप्लीकेशन क्या है, कोई भी स्टूडेंट बोल सकते हो मैकेनिकल पुली क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है। माइक अनम्यूट करके भी बोल सकते हो या फिर आप लोग चैट बॉक्स में जाके भी लिख सकते हो। पुली किस काम के लिए हम लोग यूज करते हैं, पुली, मैकेनिकल पुली, कोई भी बोल सकते हो। मैकेनिकल पुली जो है, पुली किस काम के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, पुली का एप्लीकेशन क्या है, कोई भी स्टूडेंट बोल सकते हो। ओके, पुली जो है, पुली किस काम के लिए यूज होता है, आप लोग जब देखोगे सिंपल एप्लीकेशन, जब देखोगे बहुत सारा मतलब स्टूडेंट के घर में कुआं वगैरह होता है ना, जहाँ से हम लोग पानी निकलते हैं, तो वहां पे देखोगे एक व्हील टाइप का एक पोर्शन लगा होता है जिसके साथ रोप अटैच रहता है। तो पुली किस काम के लिए यूज होता है, पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज करते हैं या फिर
और भी अगर एप्लीकेशन देखोगे तो शाफ्ट जो है मोटर का जो शाफ्ट वगैरह पोर्शन है उसके साथ देखोगे पुली टाइप का एक पोर्शन अटैच रहता है, और पुली से बेल्ट या फिर रोप कनेक्ट करके दूसरा कोई रोटेटिंग पार्ट के साथ अटैच रखता है। जब मोटर रोटेट करेगा तो क्या होगा, शाफ्ट रोटेट करेगा, शाफ्ट रोटेट करने से पुली रोटेट करेगा, और पुली थ्रू जो बेल्ट या फिर रोप है वो बेल्ट और रोप दूसरे वाला कुछ रोटेटिंग पोर्शन को रोटेट में मतलब हेल्प करेंगे। ठीक है, तो पुली का काम ऐसा ही होता है पावर ट्रांसमिट करने के लिए। और एक है गियर जो होता है वो भी पावर ट्रांसमिट करता है, मगर पुली से भी आप पावर ट्रांसमिट कर सकते हो। तो पुली कैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, कैटिया में पुली कैसे ड्रॉ करोगे, या फिर ग्रुप का जो एप्लीकेशन है वो ग्रुप वाला एप्लीकेशन आप कैसे करोगे। ठीक है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आप, रवन कुमार आपने बोला लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आप पुली यूज कर सकते हो, वो तो पावर ट्रांसमिट एक ही बात हो गया है। तो चलो आज देखते हैं पुली कैसे होता है, या फिर कैटिया में जो यहाँ पे जो ग्रुप है इस ग्रुप का एप्लीकेशन कैसे कैसे करोगे। तो देखिए आप लोग तो जानते हो कैसे करके, आपको यहाँ पे देखिए तीन प्लेन है, तीन प्लेन में किसी भी एक प्लेन को मैं सिलेक्ट कर लूंगा पहले। तो सपोज ये जो एक्स वाई आई मीन टॉप प्लेन है, टॉप प्लेन को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद नॉर्मल टू कर दिया, नॉर्मल टू करने के बाद यहाँ पे आप एक सर्किल वगैरह पोर्शन ड्रॉ करो, ओरिजिन को बेस करके एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, ऐसा कुछ सर्किल ड्रॉ कर लिया, और उस हिसाब से इसका कुछ डायमेंशन वगैरह भी दे दिया। तो सपोज इसका डायमेंशन दिया दिया 150, कितना दिया 150, ठीक है, 150, 150 इसका मैंने डायमेंशन दे दिया 150। तो देने के बाद इसको मैं ओके कर दिया, ओके करने के बाद इसका कुछ हाइट वगैरह मुझे देना है, इसका कुछ हाइट वगैरह देना है। तो ये तो 2D में हो गया, हाइट देने के लिए आपको क्या करना है, 3D में आना चाहिए। ठीक है, हाइट देने के लिए आपको 3D में जाना चाहिए। तो 3D कहाँ पे मिलेगा आपको, 3D के लिए आपको एग्जिट करना पड़ेगा, एग्जिट वर्कबेंच, एग्जिट कर दिया, एग्जिट वर्कबेंच करने के बाद देखिए स्केच मेरा 3D में आ जाएगा। देन इसके ऊपर क्या देना है, इसके ऊपर मुझे कुछ हाइट वगैरह देना है। तो हाइट के लिए आप लोग जानते हो पैड का यूज करते हैं हम लोग, तो पैड वाला पोर्शन हमने यूज कर दिया। तो देखिए हाइट कितना होता है, एक बार थोड़ा देखो, जस्ट क्लिक करो, देखिए हाइट यहाँ पे 20 यूटिलाइज हुआ है हाइट। अगर आप चाहो तो आप मैनुअली भी मतलब यहाँ पे जो बटन है इस बटन को भी प्रेस कर सकते हो, 1x1 देखिए ये प्रेस हो जाएगा, उठ जाएगा ऊपर में। अगर आप चाहो तो इसमें कोई भी इंडिविजुअल कुछ वैल्यू, अगर आपका कुछ रिक्वायरमेंट वैल्यू है तो रिक्वायरमेंट वैल्यू भी आप दे सकते हो। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और देन इंक्रीज करता हूँ, ठीक है हाइट। तो देखो क्या हो तो कैसा होता है, यहाँ पे आके हाइट दे दिया, ज्यादा नहीं दूंगा, तो समझो 250 हाइट दे दिया इसका, ठीक है 250 इसका हाइट दे दिया। देखिए ये जो लिया था वहाँ 150 का डायल लिया था, और उस हिसाब से मैं यहाँ पे 250 का हाइट मैंने यहाँ पे दे दिया। देन देने के बाद आप प्रीव्यू भी कर सकते हो, देख लो अगर ठीक ठाक है तो चलो ठीक ठाक है, अगर ठीक ठाक नहीं है तो अगर आप फिर से अगर हाइट देना चाहते हो या फिर कम करना चाहते हो तो आप यहाँ पे फिर से कर सकते हो। तो मेरा ख्याल से ये ठीक ठाक है, तो मैंने इसको ओके कर दिया। तो ओके करने के बाद देखिए इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट आपके सामने में आ जाएगा, अगर इसको आप रोटेट करोगे तो देखिए इस टाइप का एक शाफ्ट टाइप का एक पोर्शन आपके सामने में मिल जाएगा। देन ये तो शाफ्ट हो गया है, आप लोग इसमें मतलब लेद ऑपर मैकेनिकल हो सब लोग, तो लेद ऑपरेशन तो किया ही हो आपका वर्कशॉप में, तो देखोगे वहां पे एक ऑप्शन रहता है ग्रूविंग, लेद का एक ऑप्शन रहता है ग्रूविंग ऑप्शन, ठीक है। तो ग्रूविंग में उसमें भी क्या होता है, ग्रूविंग में भी स्लॉट कैसे किया जाता है, वो स्लॉट करने के लिए एक लेद ऑपरेशन रहता है जिसका नाम है ग्रूविंग, आप लोग शायद किए हो मालूम नहीं है। तो देखिए इसके ऊपर भी हम लोग ग्रूविंग टाइप का कुछ पोर्शन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और उस हिसाब से हम इसको कट करेंगे, पुली बनाना है ना इसके ऊपर तो स्लॉट करना है। तो देखिए स्लॉट कैसे करोगे, देखो तो ये जो शाफ्ट उठ गया है, शाफ्ट उठने के बाद आपको क्या करना है, किसी भी एक पारपेंडिकुलर प्लेन, मैंने आप लोग को हर वक्त बोला है कि ओरिजिन को बेस करके डिजाइन करना है, देखिए मैंने ओरिजिन को बेस करके डिजाइन कर लिया है, तो यहाँ पे एक्स वाई को बेस करके तो मैंने डिजाइन कर लिया, तो इस हिसाब से वाई जेड या फिर जेड एक्स जो प्लेन है ना वो प्लेन ही मुझे यहाँ पे स्केच डिजाइन करने में मदद हो जाएगा, नहीं तो आपको फिर से मिडिल में प्लेन लेना है, प्लेन लेने के बाद ये डिजाइन ड्रॉ करना है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ओरिजिन को बेस करके करो, और दो जो प्लेन है उसको, वो प्लेन आपका
हेल्प करेगा और भी डिजाइन ड्रॉ करने के लिए। तो देखिए इसका जो पारपेंडिकुलर प्लेन है जेड एक्स वाला जो पारपेंडिकुलर, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी देखिए फिंगर साइन इंडिकेट कर रहा है, तो मैं यहाँ से भी देखिए सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने से देखिए ये जेड एक्स वाला पोर्सन सिलेक्ट हो गया, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हो और इस प्लेन को मेंटेन करके हम लोग फिर से साइड में स्केच डिजाइन करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या कर दिया, तो स्केच वाला इस प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद स्केच वाला जो पोर्सन है इसको आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद देखिए ऐसा कुछ पोर्सन आपके सामने में आ जाएगा। तो ये ग्रूविंग ऑपरेशन में आप दो किस्म का ऑब्जेक्ट आप ट्राई कर सकते हो, एक बेल्ट यूज कर सकते हो और एक रोप यूज कर सकते हो। बेल्ट मीन्स आप लोग जानते हो बहुत टाइप का बेल्ट होता है, फ्लैट बेल्ट होता है, रेक्टेंगुलर टाइप का बेल्ट होता है, आई मीन की वी बेल्ट टाइप का भी बेल्ट होता है, स्क्वायर बेल्ट भी हो सकता है। तो बेल्ट यूज करने के लिए उस बेल्ट का जैसा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, फ्लैट बेल्ट या फिर वी टाइप का बेल्ट अगर रहेगा तो आपको यहाँ पे भी वी टाइप का शेप या फिर फ्लैट टाइप का शेप देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको रोप्स के साथ रोटेट करना है, रोप मतलब कुछ रस्सी के साथ अगर रोटेट करना है, तो रस्सी का क्या होता है, रोप का क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन राउंडिकल आई मीन सर्कुलर होता है। तो यहाँ पे आपको एक सर्कुलर स्लॉट ड्रॉ करना है। तो सपोज समझो कि मैं यहाँ पे मिडिल वाला जो पोर्शन रहेगा वहां पे कुछ फ्लैट टाइप का बेल्ट यूज करूंगा और बोथ साइड में क्या यूज करूंगा, बोथ साइड में रोप यूज करूंगा। रोप मीन्स क्या होगा, बोथ साइड में सर्कुलर सेक्शन रहेगा और मिडिल में क्या रहेगा, मिडिल में रहेगा फ्लैट सेक्शन आई मीन रेक्टेंगुलर वाला शेप रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए रेक्टेंगल वाला सेक्शन में आके सेंटर रेक्टेंगल जो पोर्शन है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। सेंटर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके लगभग मिडिल में, ठीक है, लगभग मिडिल में आप अगर प्रॉपर मिडिल लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे पॉइंट लेके भी प्रॉपर मिडिल कर सकते हो। जैसा कि प्रॉपर मिडिल अगर आपको चाहिए तो पॉइंट यूजिंग कोऑर्डिनेट ले लीजिए। लेने के बाद मेरा था 250 हाइट था, टोटल था 250 हाइट, तो और हॉराइजेंटल में मैंने इसका डायर दिया था 100। तो मिडिल से अगर करोगे तो 100 के बदले में मुझे हॉराइजेंटल में वैल्यू देना पड़ेगा 50, और वर्टिकल 250 का आधा होता है 125, तो 125 वैल्यू दे दिया। देखिए वर्टिकल में 125 एंड हॉराइजेंटल में 50, तो पूरा पूरे एकदम देखोगे मिडिल को बेस करके एक पॉइंट आ जाएगा। तो देखिए देखिए अच्छा इतना दूर आ गया है, 150 दिया था, सॉरी ए वाला 50 वाला पोर्शन नहीं था, डाया दिया था 150, तो 150 का आधा करोगे तो 75 होगा, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, 50 में वैल्यू डालो 75 डालो, तो देखो आप एकदम पूरा मिडिल में प्लेन आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो यही पॉइंट को मेंटेन करके हम एक सेंटर रेक्टेंगल बनाएंगे, पूरा मिडिल में बन जाएगा। तो देखिए यही पॉइंट को मेंटेन करके हम एक सेंटर रेक्टेंगल ऐसा कुछ बनाया, ठीक है, सेंटर रेक्टेंगल ऐसा कुछ, ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ बना दिया, सेंटर रेक्टेंगल हो गया। देखिए ऐसा कुछ सेंटर रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर लिया और उस हिसाब से फिर से एक सर्किल वाला पोर्शन में जाके, सर्कुलर वाला पोर्शन में जाके क्या कर दिया, यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, ये पोर्शन को बेस करके एक सर्किल इतना दूर ड्रॉ कर दिया। और यही सर्किल मुझे नीचे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको मिरर करूंगा इस लाइन को बेस करके, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को बेस करके मैं मिरर करूंगा। तो देखो ये जो फोर्थ सर्किल है, सर्किल को आप सिलेक्ट करो, सर्किल को सिलेक्ट करने के बाद मिरर कहाँ पे है, देखिए ये है मिरर, अबाउट मिरर किसके साथ रिस्पेक्ट में करना चाहते हो, बेस लाइन के रिस्पेक्ट में, नीचे मिरर आ जाएगा। तो देन इस लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट करो। डिलीट करने के बाद देखिए मैंने कैसे डिजाइन, ये पॉइंट जो है पॉइंट का काम हो गया, पॉइंट को भी डिलीट कर दो, ठीक है, पॉइंट का काम हो गया, सब कुछ मैंने कर दिया। तो देखिए ये जो मैंने स्केच जो ड्रॉ किया है वो स्केच देखिए आधा पोर्शन सिलेंडर के अंदर है, आधा पोर्शन सिलेंडर के बाहर। देखिए इस रेक्टेंगल भी देखिए आधा पोर्शन सिलेंडर के अंदर, आधा पोर्शन सिलेंडर के बाहर, ठीक है। और इस हिसाब से मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ओरिजिन को सेंटर लाइन ड्रॉ करना ही चाहिए, नहीं तो नहीं लेगा। तो ओरिजिन को बेस करके मैं एक सेंटर लाइन डायरेक्टली ड्रॉ कर लिया। तो क्या होगा, यही जो सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन को मेंटेन करके आपका जो फिगर है, ये जो रेक्टेंगल और ये जो सर्कल वाला पोर्शन है, यही सेंटर लाइन को बेस करके 360 डिग्री एंगल में रोटेट करेगा और देन कट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये जो सर्कुलर वाला पोर्शन पूरा पूरी अंदर में ही कर दिया तो कट हो जाएगा, अंदर से कट होगा, देख नहीं पाओगे। अगर बाहर में डिजाइन करोगे तो बाहर से क्या होगा, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट ही नहीं, कट होगा कि नहीं होगा वो फर्क नहीं पड़ता। तो आपको क्या करना है, जो भी स्केच डिजाइन करना है वो सर्किल का ऐसा कुछ कंडीशन में रहेगा, आधा अंदर आधा बाहर, ये रेक्टेंगल भी देखिए आधा अंदर आधा बाहर,
ठीक है। तो इस दौरान करने के बाद सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है मुझे, अब ये तो 2D है, 2D से हम 3D में ट्रांसफर कर देते हैं। एग्जिट कर दिया 3D में। करने के बाद यहाँ पे देखिए ग्रुप वाला जो पोर्शन है इसको आप सिलेक्ट करो। ग्रुप ग्रुप को सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हो आप ऐसा करके कुछ 360 डिग्री एंगल में रोटेट होगा। अगर आप पूरा करना चाहते हो तो 360, अगर आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट कुछ एंगल है तो यहाँ पे एंगल वाला पोर्शन दीजिए। देने के बाद आप इसको ओके कर दीजिए। तो देखिए ऐसा करके कुछ ग्रुप कट हो जाएगा, ठीक ठाक से देखिए ग्रुप कट, ऐसा करके कुछ ग्रुप कट हो जाएगा। अगर आप मिडिल वाला पोर्शन बेल्ट दे सकते हो तो देखिए फ्लैट सेक्शन, और साइड वाला पोर्शन क्या होगा, साइड वाला पोर्शन रोफ, रोफ का फेरी फेरी रहता है राउंडिकल, तो मैंने यहाँ पे राउंडिकल शेप दिया। और बेल्ट अगर यूज करोगे तो फ्लैट बेल्ट, तो वो रेक्टेंगुलर टाइप का शेप हो जाएगा। तो मिडिल वाला सेक्शन देखिए रेक्टेंगल टाइप का सेक्शन आ गया है। और इस हिसाब से आपको क्या करना है, इस हिसाब से आपको कुछ होल वगैरह करना है, जो शाफ्ट मतलब जो मोटर या फिर कुछ जो भी रोटेटिंग पार्ट वाला पोर्शन रहेगा उसके साथ अटैच करने के लिए क्या रखना है, यहाँ पे एक शाफ्ट देना है। तो शाफ्ट होल भी करना है, और शाफ्ट होल को टाइट करने के लिए की स्लॉट भी आपको ड्रॉ करना है। तो हम लोग यहाँ पे शाफ्ट होल और की स्लॉट भी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो इस पोर्सन को आप सिलेक्ट करो, आई मीन फेस को आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद ये जो स्केच वाला पोर्सन है स्केच में जाओ, आपके सामने में स्केच पोर्सन आ जाएगा। देन इसको थोड़ा जूम करो, जूम करने के बाद यहाँ पे हम शाफ्ट होल और उस हिसाब से की होल वगैरह जो पोर्सन है वो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। कैसे करोगे, सर्किल को सिलेक्ट करो, ऑरिजिन को मेंटेन करके एक सर्किल बनाओ, जस्ट ऐसा कुछ मैंने सर्किल बनाया ऐसा कुछ, ठीक है। सर्किल बनाने के बाद इसमें एक होल वगैरह रहता है, वो की होल मतलब टाइट करने के लिए, तो इसको हम मैंने फिर से जूम कर दिया। जूम करने के बाद यहाँ पे मुझे एक की होल बनाना है, वो भी होगा सेंटर रेक्टेंगल। तो इसका ओरिजिन को सेट करो, सेट करने के बाद एक की होल टाइप का पोर्शन बनाओ, सपोज ऐसा कुछ की होल मैंने बना दिया। और एक की होल तो जस्ट ऐसा कुछ रेक्टेंगुलर वाला स्लॉट है, एक्स्ट्रा पोर्शन बहुत आ गया है। तो एक्स्ट्रा पोर्शन कट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रिम वगैरह पोर्शन यूज करेंगे। तो ट्रिम को सिलेक्ट कर दिया, कट हो गया। अगर मुझे रिपीटेडली करना है तो डबल क्लिक कर दो ट्रिम के ऊपर, तो वन बाय वन पोर्शन कट करो, इसको भी कट कर दिया। तो देखिए ऐसा कुछ पोर्शन मेरे सामने में आ जाएगा, एकदम सेंटर को बेस करके मैंने ड्रॉ किया है। ए हो गया आपका शाफ्ट होल, और ए जो हो गया, ए हो गया आपका की होल। तो यहाँ पे आके मैं इसको एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने के बाद ए जो होल होगा एकदम आर पार, एकदम लास्ट तक ये चल जाएगा। तो इसमें आप पॉकेट वाला पोर्शन तो आप पहले से ही कर चुके हो, तो पॉकेट को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद देखिए मैंने 250 हाइट दिया है, तो ओ और मतलब 250 डेप्थ कट करके चल जा रहा है, तो इसका ओके कर दो। तो देखोगे आपका ये जो होल क्रिएट होगा ना, ये जो होल क्रिएट होगा ये देखिए एकदम लास्ट तक हो गया ये होल। तो ये होल हो जाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे कुछ कलर वगैरह अगर पोर्शन कुछ देना है तो कलर डालो, बहुत टाइप का कलर होता है। आप चाहो तो ऑर्डिनरी कलर या फिर मेटल कलर भी आप यहाँ पे दे सकते हो। तो देखिए ऐसा कुछ हो जाने के बाद ये डिजाइन जो हो गया है, इसमें मैं प्लेन वगैरह पोर्शन जो है उसको हाइट करता हूँ वन बाई वन। तो इसमें हाइट कर दिया एक प्लेन, दो और देने तीन प्लेन आपका हाइट कर दिया। हाइट करने के बाद इसके ऊपर कुछ अगर कलर देना है तो आप पार्ट बॉडी को सिलेक्ट करो, पार्ट बॉडी सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज, देन यहाँ पे आके ग्राफिक्स, देन ग्राफिक्स में आके आप इसमें कोई भी कलर दे सकते हो, जैसा कि वो कोई भी दो एक कलर डालो। तो ये कलर देके मैंने ओके कर दिया। तो देखिए ऐसा कुछ कलर आपका डिजाइन में मिल बैठ जाएगा, देखिए ऐसा कुछ कलर आपका डिजाइन में आ गया है। और ए क्या हो गया, ए हो गया प्रॉपर एक पुली जो शाफ्ट पोर्शन से अटैच रहता है, शाफ्ट वाला जो पोर्शन आप करोगे उसके साथ अटैच रहेगा, और टाइट करने के लिए एक की होल, ठीक है। तो एक इस ऑपरेशन से किया हम लोग, ग्रुप वाला पोर्शन से हम लोग ये ड्रॉ कर लिया। ऐसे करके आप कोई भी पोर्शन, जैसा कि आप अगर पिस्टन डिजाइन करोगे तो वहां पे पिस्टन में तीन टाइप का रिंग रहता है, वो रिंग डिजाइन करने के लिए भी आप काम कर सकते हो, मतलब काम में लगा सकते हो ये पोर्शन, ठीक है। मैं दिखाऊंगा पिस्टन का ऐसे डिजाइन होता है, एक बार आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ए हो गया आपका एक पुली। तो गाइस क्लियर है, सबका क्लियर है, सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में जाओ जाके लिखो क्लियर, अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में जाओ जाके लिखो क्लियर। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बोल सकते हो, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बोल सकते हो, अगर क्लियर है तो आप लोग लिखो क्लियर। सबको बोल रहा हूँ, किसी का कोई भी क्वेश्चन या फिर डाउट है तो मुझे बोल सकते हो।
बहुत सारा स्टूडेंट हो, देखो किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है ना। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बोल सकते हो। मैं और एक पोर्शन दिखाऊंगा इसके बाद जो है, वो दिखाने के बाद हम लोग नेक्स्ट जो और भी पोर्शन है वन बाय वन जितना हो सके आज मैं कंप्लीट करूंगा। सो लगभग सबका क्लियर है तो चलो ठीक है, अगर क्वेश्चन है तो बोल सकते हो। देखिए ये तो मैंने एक ऑर्डिनरी कलर दे दिया, ये तो मैंने एक ऑर्डिनरी कलर दे दिया। अगर आपको मेटेरियल कलर देना है तो क्या करोगे? मेटेरियल कलर देने के लिए आपको पार्ट बॉडी को पहले सिलेक्ट करना है। देखिए मेटेरियल कलर देने के लिए आपको पहले पार्ट बॉडी को पहले सिलेक्ट करना है। पार्ट बॉडी सिलेक्ट करने के बाद देखो, थोड़ा देखो, मेटेरियल कलर अगर आपको देना है तो आपको पहले पार्ट बॉडी को ऐसा करके सिलेक्ट कर लेना चाहिए। सिलेक्ट हो गया, देन यहाँ पे देखिए एक पोर्शन रहता है अप्लाई मेटेरियल। क्या अप्लाई मेटेरियल? तो अप्लाई मेटेरियल के ऊपर आप क्लिक करो। अप्लाई मेटेरियल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने। तो अगर आप देखिए इसमें से कोई भी कलर वगैरह देना चाहते हो तो इसको आप कार्ड सेट को आप साइड में ले जाओ। देखिए इतना सारा कलर है, ठीक है। अगर इसमें से आप कुछ पोर्शन आप इस मटेरियल के ऊपर देना चाहते हो तो वो अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो लिखा था पेबल नाम का जो ऑप्शन है इसमें आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ओके कर दिया, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, करने के बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखो इसके ऊपर एक कलर आ गया है, ठीक है। मैंने जो कलर दिया था वो कलर आया है? देखो नहीं आया है, तो देखोगे कैसे कलर आया है कि नहीं? देखोगे कैसे? देखने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है। क्या ऑप्शन? ये जो है आपका जो व्यू वाला ऑप्शन है, व्यू वाला ऑप्शन में देखिए नीचे में देखिए सिलेंडिकल वाला पोर्शन है, इसको सैडेट कहते हैं। तो मैंने मेटेरियल वाला पोर्शन अप्लाई किया है। एरो को क्लिक करोगे, एरो को क्लिक करने के बाद देखिए पहले क्या दिया है, सैडिंग, देन पोर्शन सैडिंग विथ एज, देन पोर्शन देखो सैडिंग विथ एज विदाउट विदाउट स्मूथ एज। और मैंने मेटेरियल जो अप्लाई किया है तो मेटेरियल कलर देखने के लिए आप इसमें आओगे, शेडिंग विथ मेटेरियल, शेडिंग विथ मेटेरियल। तो जस्ट क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आप देखोगे आपका डिजाइन कुछ इस टाइप का हो जाएगा। शेडिंग विथ मेटेरियल में आके आप क्लिक करोगे तो आपका डिजाइन कुछ इस टाइप का हो जाएगा। देन देखिए अगर और भी कुछ देना चाहते हो तो पार्ट बॉडी को पहले सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद फिर से अप्लाई करो, मेटेरियल में अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद देखिए ग्रास वाला जो मेटेरियल है इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, करने के बाद ओके कर सकते हो। देखिए आपका डिजाइन ग्रैश मटेरियल वाला पोर्शन में हो जाएगा। मगर आपको सिलेक्ट कौन सा करना है? सिलेक्ट करना है शेडिंग विथ मटेरियल। इसमें आओगे, आने के बाद सिलेक्ट करोगे शेडिंग विथ मटेरियल। तो देखो आपने जो मटेरियल अप्लाई किया हो वो मटेरियल आपको दिख पाओगे। और भी है, देखिए यहाँ पे आके मैंने सिर्फ कॉन्स्ट्रक्शन में चल गया था, फेब्रिक्स में जाओगे इतना कुछ पोर्शन आपको मिल जाएगा। फेब्रिक में देखिए इतना सारा कुछ पोर्शन है, आप चाहो तो किसी भी एक पोर्शन को आप सिलेक्ट करके इसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो देखिए इसको सिलेक्ट करके डाल दिया तो ऐसा कुछ पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यही पार्ट है, फिर से देखिए इसमें सिलेक्ट कर दिया, करने के बाद मेटेरियल में चल गया। कॉपर मेटल कलर देना है तो देखिए फैब्रिक के बाद में है मेटल। देखिए इसमें एल्युमिनियम, क्रोमियम, कॉपर, ब्रास, ब्रोंज, बहुत टाइप का मेटेरियल है। आप इसमें से आपका जो भी रिक्वायरमेंट मेटेरियल है वो मेटेरियल आप दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सपोज अगर आपको देना है सिल्वर देना है तो सिल्वर के ऊपर आके क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इसमें आके आप ओके करो तो देखिए सिल्वर टाइप का कुछ मटेरियल में बन जाएगा। और भी इसका एप्लीकेशन है, इसको रिफ्लेक्ट करोगे तो देखोगे इसका ब्राइटनेस बढ़ेगा, वो मैं बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। तो बहुत कुछ पोर्शन है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका मेटेरियल कलर। अगर इसके ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसका कुछ ऐसा ही कुछ बन रहा है। जस्ट मेटेरियल में जाओगे, शेडिंग अप्लाई मेटेरियल, यहाँ पे आके देखिए वुडन वाला पोर्शन भी है, इतना कुछ वुडन वाला पोर्शन है। अगर आप ए पोर्शन वुडन वाला पोर्शन में ट्रांसफर करना चाहते हो तो किसी भी पार्ट बॉडी को सिलेक्ट करने से ही फुल सिलेक्ट हो जाता है। देन यहाँ पे फ्रेंच जो है थ्री, इसको मैंने सिलेक्ट करके ओके कर दिया तो देखिए वुडन जो कलर रहता है वुडन कलर में चेंजेस आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ए होता है, आप अगर किसी भी ए पोर्शन का अगर आप मेटेरियल देना चाहते हो या फिर यहाँ पे इतना सारा पोर्शन है इसमें आप कोई भी पोर्शन अगर देना चाहते हो। यहाँ पे स्टोन भी है, देखिए इतना टाइप का स्टोन मेटेरियल भी आपको मिल जाएगा। आप जो चाहे आपका जो पसंद आए या फिर रिक्वायरमेंट जो भी आइटम है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो पहले पार्ट बॉडी को सिलेक्ट करना, देन जाके किसी भी एक स्टोन के ऊपर आके क्लिक कर देना, देने के बाद इस ओके करो, देखिए स्टोन वाला मेटेरियल में ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए
ऐसा कुछ। ठीक है, तो ए हो गया मेरा, कौन सा वाला एप्लीकेशन दिखाया, देखिए ग्रुप वाला एप्लीकेशन, ग्रुप कैसे करोगे या फिर स्लॉट कट कैसे करोगे और उसके ऊपर मेटल कैसे अप्लाई करोगे, या फिर ऑर्डिनरी कलर तो पहले दिन ही दिखाया था, मेटल कलर कैसे अप्लाई करोगे वो मैंने आज दिखा दिया। सबका क्लियर है ना? अगर किसी का कोई भी डाउट है तो मुझे बोल सकते हो, अगर किसी का कोई भी डाउट है तो मुझे बोल सकते हो। गाइस बार बार बोल रहा हूँ, किसी का कोई भी डाउट है तो बोल सकते हो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मेटेरियल कलर में जो कलर है उसको अलावा और कोई न्यू कलर कैटिया सॉफ्टवेयर में अपडेट कर सकते हैं? नहीं, और कोई न्यू कलर आप ऐड नहीं कर सकते हो, जो भी है वो ही। ठीक है, बहुत सारा कलर है आप, और मतलब मेटेरियल कलर बहुत सारा है, और क्या देना चाहते हो? इसको आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो, रिफ्लेक्ट वाला पोर्शन में जाके इसका इंटेंसिटी या फिर रिफ्लेक्शन कम करके इसका जो रिफ्लेक्शन मतलब वो जब करोगे ना कम, मतलब किसी भी पोर्शन का कम करोगे, हाई करोगे, सपोज रिफ्लेक्शन जो है उसको लो कर दोगे तो देखोगे उस कलर कुछ अलग सा दिख पाओगे। ठीक है, यही कलर आप देख सकते हो यहाँ पे, तो बहुत सारा कलर है। इसके अलावा भी यार कितना कलर चाहिए यार, मेटल में देखो इतना सारा है। ठीक है, इसमें अदर्स में देखो इतना सारा है, पेंटिंग में देखो इतना सारा कलर है। पेंटिंग में अगर पार्ट बॉडी को सिलेक्ट करके इस ब्लू को अगर आप सिलेक्ट करोगे तो क्या आएगा, ऐसा कुछ ब्लू वाला कुछ मटेरियल आ जाएगा। ठीक है, इतना काफी है देने के लिए, या फिर आप लोग जो भी असाइनमेंट करोगे वो इतना ही काफी है। तो चलो, और एक बोलो वन टाइम अगेन, रंजीत, रंजीत कुमार वहां, तो वन टाइम अगेन। वन टाइम अगेन मतलब कौन सा वाला पोर्शन, मेटेरियल वाला पोर्शन या फिर ग्रुप वाला पोर्शन, वो बोलिए। अगर मेटेरियल वाला एप्लीकेशन देखना है तो सिंपल है, या फिर बोलोगे ग्रुप वाला ग्रुप पोर्शन, ग्रुप वाला ग्रुप पोर्शन। वाला ओके ओके ओके, तो देखिए ग्रुप वाला पोर्शन में सिंपली रिपीटेड फिर से और एक बार कर रहा हूँ, देखो एक बार देख लो। फिर से आप पार्ट डिजाइन में जाओ, मैकेनिकल देन पार्ट, पार्ट देने के बाद ओके। ठीक है, तो हो जाने के बाद आपको किसी भी एक प्लेन सिलेक्ट करना है, जैसा कि मैंने एक्स वाई वाला प्लेन सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद देन इसको ओके करो। करने के बाद सपोज मैंने यहाँ पे ग्रुप, तो आप शेप की तरह भी कर सकते हो, या फिर आप सेंटर रेक्टेंगल अगर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मैं सिंपली एक सर्कल यूज कर दिया यहाँ पे, एक सर्कल ड्रॉ करो ऐसा कुछ। सर्कल ड्रॉ करने के बाद इसको कुछ हाइट डालो, जैसा कि यहाँ पे आके पैड में जाता हूँ, जाने के बाद कुछ हाइट वगैरह यहाँ पे डाल देता हूँ। तो देखिए हाइट तो उठ रहा है, हाइट उठ रहा है। ठीक है, हाइट उठ रहा है, ए ने एक देखिए इतना कुछ, अगर एक प्रॉपर एक हाइट दो, देने के बाद ओके कर दिया। करने के बाद इसको चेंज करो विदाउट एज, चेंज कर लिया। करने के बाद इसमें देखिए ये जो साइड का कोई भी परपेंडिकुलर जो प्लेन है, परपेंडिकुलर प्लेन को सिलेक्ट करो। करने के बाद नॉर्मल टू, नॉर्मल टू करने के बाद यहाँ पे जो आपको सर्कल ही करना है या फिर रेक्टेंगल करना है, ये कुछ बात नहीं है, आपको सर्कल ही करना है या फिर रेक्टेंगल, आप चाहो तो एक क्लोज फिगर भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। सपोज ऐसा कुछ, देखिए एक मैंने क्लोज फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका कुछ भी मतलब ओरिएंटेड शेप नहीं है। ठीक है, इसका कोई भी ओरिएंटेड शेप नहीं है, देखिए मैं कुछ ऐसा कुछ करके एक ड्रॉ कर रहा हूँ, मगर क्लोज शेप होना चाहिए। ठीक है, क्लोज फिगर होना चाहिए, नहीं तो वो ग्रुप कार्ड नहीं बनेगा। तो देखिए ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, यहाँ से लेके इसका कुछ जाओ यहाँ तक जाके इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। तो देखिए ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे शेप किया है, ड्रॉ किया है। देखिए ये जो फिगर मैंने ड्रॉ किया है, मगर ये फिगर क्या है, ये फिगर है क्लोज फिगर, देखिए यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है। और यही फिगर क्या होगा, सेंटर को मेंटेन करके 360 डिग्री एंगल में रोटेट होगा। तो यहाँ पे मैंने ग्रुप को, मैंने सेंटर लाइन को मैंने सिलेक्ट कर लिया, थोड़ा छोटा करो। छोटा करने के बाद ओरिजिन को बेस करके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यही शेप क्या होगा, सेंटर एक्सिस को मेंटेन करके 360 डिग्री एंगल में रोटेट होगा, मगर स्केच जो होगा क्लोज शेप होना चाहिए। तो देन देखिए 2D में करने के बाद, और ए डिजाइन देखिए आधा डिजाइन के अंदर या फिर आधा से भी ज्यादा डिजाइन के अंदर और कुछ पोर्शन डिजाइन के बाहर होना चाहिए, तो भी कट आप देख पाओगे, नहीं तो नहीं दिख पाओगे। तो हो जाने के बाद आपको क्या करना है, एग्जिट करना है।
एग्जिट कर लिया। देखिए एग्जिट करने के बाद आपका जो एक ग्रुप वाला पोर्शन है, ग्रुप में आपका आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद देखिए 360 डिग्री एंगल में कट हो गया। अगर आप चाहो तो 360 भी ना भी कर सकते हो, आप चाहो 360 के बदले में, अच्छा पहले 360 देखो देन इसको आप ओके करो, तो देखिए ऐसा कुछ करके कट हो जाएगा डिजाइन जो है, ऐसा कुछ करके कट हो जाएगा। क्योंकि मेरा तो इंटरनल शेप तो कुछ अलग सा था ना, और मतलब ओरिएंटेड डिजाइन नहीं था, तो देखिए ऐसा कुछ करके ये पोर्शन ऐसा कुछ करके कट हो जाएगा 360 डिग्री एंगल में। अगर आप रेक्टेंगुलर वाला शेप दिया या फिर स्क्वायर वाला शेप देते तो कुछ ओरिएंटेड डिजाइन होता, मगर ये तो मैंने अपना मर्जी से मैंने डिजाइन किया तो ऐसा कुछ होगा। अगर इसको मैं कुछ अंडू करता हूँ, तो देखिए अंडू करने के बाद इसको मैं फिर से ग्रुप वाला ऑपरेशन में क्रिएट करता हूँ, मगर यहाँ पे जो 360 है इसके बदले में मैं देता हूँ 300 एंगल, 300 300 देने के बाद जब इसको ओके करोगे तो देखोगे कुछ इस टाइप का शेप आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको रोटेट करोगे तो देखिए यहाँ से स्टार्ट तो हुआ है, 300 दिया था तो पूरा कट नहीं हुआ, 300 डिग्री एंगल तक आके ये पोर्शन रुक गया है, और इस हिसाब से देखिए कट कुछ ऐसा टाइप का कुछ कट होगा। इसमें यहाँ पे कुछ अनकट पोर्शन रह जाएगा बिकॉज यहाँ पे मैंने एंगल दिया था 300 डिग्री, तो देखिए ऐसा कुछ पोर्शन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका ग्रुप वाला ऑपरेशन। ठीक है, क्लियर है शायद सबका। तो चलो ग्रुप हो जाने के बाद हम लोग कुछ दूसरे वाला पोर्शन में चल जाता है। ग्रुप होने के बाद दूसरा वाला पोर्शन, दूसरा पोर्शन जो है होल है। होल काम में नहीं लगता, अगर आप पॉकेट का यूज अगर आप जानते हो तो होल काम में नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप पॉकेट ही ठीक ठाक से जान लो, होल काम होल यूज सीखो या फिर ना सीखो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं हम लोग होल को एक मतलब बाद में दिखाऊंगा या फिर जब इसका कुछ काम आएगा तब दिखाऊंगा, मगर पॉकेट से ही सब काम हो जाएगा, होल में उतना काम में नहीं लगेगा। तो होल के बाद देखिए जो पोर्शन है वो है रिब। होल के बाद जो पोर्शन है वो होता है, क्या होता है ना, वो पोर्शन होता है रिब। तो रिब वाला पोर्शन आप कैसे करोगे वो एक बार देख लो। ठीक है, तो ये पोर्शन में कट कर देता हूँ। कट करने के बाद स्टार्ट, देन मैकेनिकल, देन पार्ट, देन ओके, और एक पार्ट डिजाइन मैंने ओके कर लिया। तो यहाँ पे आपको नया पोर्शन जो है वो है रिब। रिब कैसे करोगे, रिब का एप्लीकेशन क्या है, रिब का एप्लीकेशन यही है अगर आप कुछ पाइप वगैरह डिजाइन अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो, तो पाइप वगैरह डिजाइन, पाइप, ओके, पाइप अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो या फिर पाइप बोलो या फिर कुछ सॉलिड बार टाइप कुछ डिजाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो आप रिब यूज कर सकते हो। रिब का एप्लीकेशन क्या है एक बार देखो, रिब का एप्लीकेशन क्या है, रिब कैसे करोगे तो एक बार देख लो। ठीक है, तो नेचुरली हम लोग क्या करेंगे, देखिए कोई भी एक पोर्शन को हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि टॉप प्लेन पहले देखो, उसके बाद आप लोग ट्राई करोगे। टॉप पोर्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद स्केच करने के बाद यहाँ पे देखिए स्प्लाइन वगैरह जो पोर्शन था जो मैंने दिखाया था, कार्प लाइन डिजाइन करने के लिए यूज होता है, तो स्प्लाइन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इस पोर्शन और ओरिजिन को बेस करके ऐसा कुछ मैंने ड्रॉ यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ऐसा कुछ कार्व लाइन मैंने ड्रॉ किया। देखिए सब लोग ओरिजिन को बेस करके टॉप व्यू, पहले एक्स वाई यानी टॉप व्यू को सिलेक्ट कर लिया, देन नॉर्मल टू स्केच वाला पोर्शन जब आपके सामने में आ जाएगा, देन आप क्या करोगे, स्लाइन को सिलेक्ट करके ऐसा कुछ कार्व लाइन आप डिजाइन करोगे। ऐसा कुछ कार्व लाइन डिजाइन कर दिया, करने के बाद आप क्या करोगे, एग्जिट करोगे, क्या करोगे, एग्जिट करोगे। एग्जिट करने के बाद थोड़ा देखिए इसमें कुछ डिफिकल्टी है, एग्जिट कर दिया, एग्जिट करने के बाद ये देखिए ये है मेरा कार्व लाइन, आप लोग देखिए एल है मेरा कार्व लाइन। देन इसका वे तो मैंने एक्स वाई वाला पोर्शन आई मीन टॉप वाला पोर्शन को सिलेक्ट करके मैंने किया था, और इस हिसाब से इसका परपेंडिकुलर वाला प्लेन कौन सा है वो आपको चूज करना है। तो इस प्लेन के हिसाब से एकदम परपेंडिकुलर वाला प्लेन है ए, जेड एक्स वाला परपेंडिकुलर प्लेन है, वाई जेड भी परपेंडिकुलर वाला प्लेन है, मगर वाई जेड हो जाएगा क्या, साइड वाला परपेंडिकुलर प्लेन होगा। तो साइड वाला परपेंडिकुलर प्लेन मुझे नहीं चाहिए, जो फ्रंट वाला परपेंडिकुलर प्लेन है, देखिए इस लाइन के हिसाब से फ्रंट वाला परपेंडिकुलर प्लेन होगा जेड एक्स। ठीक है, साइड वाला परपेंडिकुलर प्लेन नहीं चाहिए, तो जेड एक्स को आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद स्केच में आके क्लिक करो।
दो वाला पोर्शन आपके सामने में आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं कुछ सर्कल वगैरह डिजाइन ड्रॉ करूंगा, अगर देखने के लिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा इसको रोटेट करो, थोड़ा इसको रोटेट कर दिया, देन सर्कल में आ गया, देन इस ओरिजिन को मेंटेन करके मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, जस्ट ऐसा कुछ सर्कल ड्रॉ कर लिया। ऐसा कुछ सर्कल ड्रॉ करने के बाद इसको मैंने एग्जिट कर दिया, क्या कर दिया, एग्जिट। तो देखिए ये क्या हो गया है, इसको मैंने अगर रोटेट किया तो क्या मिल जाएगा आपको, ये हो गया है पाथ। पाथ मीन्स जो पाथ फॉलो करेगा, मतलब आपका जो ये जो पाइप जो आप बनाओगे वो पाइप पे एक पाथ फॉलो करेगा ना, तो ये पाथ ये हो गया इसका पाथ, और ये जो सर्कुलर वाला पोर्शन मैंने ड्रॉ किया ये हो गया इसका प्रोफाइल, ठीक है, ये हो गया है प्रोफाइल, सर्कुलर वाला पोर्शन जो है ये हो गया है प्रोफाइल। ये प्रोफाइल आपका रिक्वायरमेंट प्रोफाइल है, आप चाहो तो ट्रायंगुलर कर सकते हो, हेक्सागोनल कर सकते हो, रेक्टेंगुलर कर सकते हो, या फिर सर्कुलर कर सकते हो, जैसा आपका रिक्वायरमेंट रहेगा। मगर पाथ जो है वो पाथ आपका जो कंडीशन रहेगा ये तो मैंने फ्री हैंड में लाइन में कर दिया, अगर चाहो तो कुछ लिनियर कुछ पाथ रहेगा वो भी मैं दिखाऊंगा। वो करने के लिए देखिए ये हो गया पाथ और ये हो गया प्रोफाइल, देन आप क्या करोगे, यहाँ पे जो रिप वाला ऑप्शन है ना, रिप को आप सिलेक्ट करोगे। रिप सिलेक्ट करने के लिए किधर दो ऑप्शन मांग रहा है, एक होता है प्रोफाइल और एक होता है सेंटर कट। प्रोफाइल कौन सा है, ये सर्कुलर वाला पोर्शन प्रोफाइल, देखिए जब जिसको सिलेक्ट करोगे ना वो ब्लू कलर हो जाएगा, तो मुझे प्रोफाइल पहले सिलेक्ट करना है, तो प्रोफाइल में आकर क्लिक करो, प्रोफाइल देखो ब्लू कलर इंडिकेट कर रहा है और यहाँ पे दे रहा है नो सिलेक्शन, मतलब प्रोफाइल जो होगा आपको सिलेक्शन कर देना चाहिए। तो प्रोफाइल सपोज ये जो सर्कुलर वाला पोर्शन है ये हो जाएगा प्रोफाइल, तो देखिए स्केच टू नाम लेके सिलेक्ट हो जाएगा। देन सेंटर कार्प, सेंटर कार्प कौन सा रहेगा, सेंटर कार्प रहेगा ये जो कार्प लाइन है मेरा, ये रहेगा सेंटर कार्प, ये जो कार्प लाइन है एक कार्प लाइन हो जाएगा मेरा सेंटर कार्प। तो यहाँ पे जो नो सिलेक्शन दिख रहा है तो सेंटर कार्प के ऊपर क्लिक करो, आप टू लास्ट देखिए इतना दूर तक हो जाएगा। तो हो जाने के बाद अगर आप इसको प्रीव्यू करो तो देखो क्या हो जाएगा, प्रीव्यू करने के बाद देखो एक पाइप किस्म का बन जाएगा, यहाँ पे देखिए एक पाइप टाइप का पोर्शन बन गया है, मगर हो गया क्या, सॉलिड बन गया है, सॉलिड पाइप। इसमें से आप कोई भी लिक्विड या फिर कोई भी कुछ इसके अंदर से फ्लो करना हो तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि ये सॉलिड हो गया है। अगर आपको इसको हॉलो करना है, अगर इस पाइप को आपको हॉलो करना है तो आप क्या करोगे, हॉलो करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन रहता है थिक प्रोफाइल, एक ऑप्शन रहता है थिक प्रोफाइल, तो थिक प्रोफाइल को आप सिलेक्ट करो। थिकनेस वन थिकनेस टू दिख रहा है, थिकनेस वन में देखिए दिया है 1 मिलीमीटर, आप अगर इसको थोड़ा जूम करके देखोगे तो यहाँ इसको आप मैं जूम करके दिख रहा हूँ, देखिए थिकनेस वन, ये जो देखिए अंदर में और एक सर्किल क्रिएट हो गया है, और भी जूम करो, हाँ ये देखिए अंदर में और एक सर्किल क्रिएट, थिकनेस वन, तो आप इसको अगर इंक्रीज करोगे तो देखिए थिकनेस टू, देखिए 3 हो रहा है, 3 मिलीमीटर, मतलब इंटरनल वाला पोर्शन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इंटरनल वाला पोर्शन क्रिएट हो रहा है। अगर मैं इसको मतलब बाहर वाला थिकनेस अगर आपको बढ़ाना है तो आप इस पे इंक्रीज करो, देखिए 1 2 3 करके इंक्रीज हो रहा है। तो सपोज ये जो मैंने सर्किल बनाया है, प्रॉपर जो सर्किल था जिस हिसाब से सॉलिड हुआ है वो ही रहेगा आउटर डाया, और थिकनेस मुझे देना है 1 मिलीमीटर थिकनेस देना है पाइप का, तो आप क्या करोगे, थिकनेस टू जो है इसको 0 कर दो, थिकनेस टू 0, और थिकनेस वन जो इस माइनस में आ गया है इसको 0 करो, और थिकनेस वन जो है वो होगा 1 मिलीमीटर थिकनेस, तो इसको डिक्रीज करो 1, तो 1 मिलीमीटर मैंने यहाँ पे थिकनेस दे दिया है इनसाइड में, और आउटसाइड में कुछ नहीं है। देन इसको आके प्रीव्यू करो, प्रीव्यू करने के बाद आप देख सकते हो आपका जो पाइप आप जो बनाओगे वो पाइप फॉलो हो जाएगा, देन ओके। तो देखिए ऐसे करके आप पाइप ड्रॉ कर सकते हो, एकदम अप टू लास्ट, एकदम फ्रंट से लेकर अप टू लास्ट एकदम हॉलो पाइप है। अगर हॉलो है कि नहीं वो देखने के लिए आपको तो ट्रांसपेरेंसी करना चाहिए, तो ट्रांसपेरेंसी तो आप जानते हो कैसे करना है, तो इस पोर्शन को आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद इसमें जाओ, जाने के बाद ट्रांसपेरेंसी हाई कर देना है, देन ओके। तो देखिए आउटर वाला हो गया, इनर वाला करने के लिए इसको सिलेक्ट करो, प्रॉपर्टी देन ट्रांसपेरेंसी में आके ट्रांसपेरेंसी हाई करो, देन ओके। तो आप देख पाओगे आपका जो पाइप, ये जो पाइप बन गया देखिए इनर पोर्शन पूरा हॉलो है। तो चलो ये तो ट्रांसपेरेंसी करके दिखाया, इसको अगर मैं अंडू कर देता हूँ, अंडू करने के बाद
अंडू करने के बाद उसके ऊपर अगर आप कलर देना चाहते हो तो कलर यूज कर सकते हो। कलर कैसे यूज करोगे, पार्ट बॉडी को आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद मेटेरियल कलर में जाओ। मेटेरियल कलर तो मैंने दिखाया था, मेटेरियल कलर में जाके यहाँ पे जो पेंटिंग वाला पोर्सन है इसमें आके मैंने रेड वाला पोर्सन को सिलेक्ट किया। चलो तो देखने के लिए सैडिंग विथ मेटेरियल, ओके सैडिंग विथ मेटेरियल में आप क्लिक करो तो आप देख पाओगे आपको आपने जो पाइप बनाया है वो रेड कलर का हो गया है। और यहाँ से आके मैं इसको हाइट कर देता हूँ तो देखिए ऐसा कुछ पाइप बन जाएगा। देखिए हॉलो पाइप है पूरा अप टू लास्ट, ठीक है। ये हो गया आपका आपने आपने जो पाइप जो रिक्वायरमेंट जो आपने स्केच ड्रॉ किए थे उस हिसाब से ऐसा कुछ डिजाइन मिल जाएगा। देखिए ठीक है जस्ट यूज कीजिए, देखिए ऐसा करके आपका हो जाएगा। और भी एप्लीकेशन होता है इस रेप का। ये तो मैंने स्प्लाइन को बेस करके मैंने ड्रॉ किया था, स्प्लाइन को बेस करके ऐसा कुछ किया था। अगर आप ऑर्डिनरी कुछ लाइन को बेस करके अगर पाइप ड्रॉ करना चाहते हो, ऑर्डिनरी लाइन को बेस करके अगर कुछ पाइप ड्रॉ करना चाहते हो तो कैसे करोगे, तो फिर से देखो ऑर्डिनरी लाइन को बेस करके अगर पाइप ड्रॉ करना चाहते हो तो इसको कट कर दिया। कट करने के बाद फिर से आप स्टार्ट देन मैकेनिकल देन पार्ट देन इसमें ओके करो। देने के बाद कोई भी प्लेन सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि एक्स वाई सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद सपोज ओरिजिन को छोड़ के आप डिजाइन करना चाहते हो तो मैंने लाइन सिलेक्ट कर लिया, ओरिजिन को छोड़ के सपोज ऐसा कुछ डिजाइन हो रहा है। देखो आप हाइट भी देख सकते हो कितना होगा, ये सपोज वर्टिकल में 100 के लगभग आसपास एक लाइन ले रहा हो, देन ऐसा कुछ। ऐसा कुछ लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये लाइन क्या है, ये लाइन ही है आपका जो पाथ होगा, मतलब पाइप का जो पाथ होगा वो पाथ मैंने ड्रॉ कर लिया। पहले मैंने क्या दिया था, कर्व लाइन आई मीन स्पाइन मैंने यूज करके दिखाया था, मगर आप जो आप देख रहे हो ना ये हो रहा है कि स्ट्रेट लाइन को बेस करके आई मीन प्रोफाइल आई मीन कंटिन्यूस लाइन को बेस करके मैंने पाथ ड्रॉ कर लिया। तो पाथ ड्रॉ करने के लिए आप लोग जनरल मतलब जानते हो कि ऐसा करके अगर 90 डिग्री अगर मैं एंगल दे दिया यहाँ पे तो जब वाटर फ्लो करेगा यहाँ से तो तब क्या होगा, यहाँ पे एक फ्रिक्शन या फिर कोरोशन होगा तो देन क्या होगा, ये पाइप टूट जा सकता है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री एंगल में आप करोगे तो मुझे क्या करना है, हर एक जो 90 डिग्री एंगल है उसको मुझे कुछ राउंडिकल शेप में ले आना है, कुछ राउंडिकल शेप में रहेगा विथ प्रॉपर कुछ रेडियस के हिसाब से। तो क्या होगा, राउंडिकल शेप अगर हो जाएगा तो वहां पे ज्यादा फ्रिक्शन या फिर कोरोशन नहीं रहेगा। तो वो करने के लिए आप क्या करोगे, वो करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ चैम्फर आई मीन सॉरी चैम्फर मतलब यहाँ पे कुछ कॉर्नर आई मीन फिलेट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आके देखो जो कॉर्नर वगैरह पोर्शन है इसको आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक पोर्शन देन और एक पोर्शन, दो पोर्शन को सिलेक्ट करके अंदर में रखो, ठीक है। तो ऐसा कुछ कर दिया और रेडियस का वैल्यू मैंने दे दिया सपोज 20, रेडियस का वैल्यू मैंने 20 दे दिया। अच्छा पहले ना एक करने के पहले अंडू करो, थोड़ा लाइन को लाइन का डायमेंशन थोड़ा दे दो, सॉरी रीडू कंट्रोल वाई, लाइन का पहले कुछ डायमेंशन डालो नहीं तो कॉर्नर चेंज करने से लाइन छोटा हो जाएगा। देखो थोड़ा टाइम लगेगा मगर प्रोसेस देखो जो भी है 108 डबल क्लिक कर देता हूँ, एक साथ अनेक बहुत सारा डायमेंशन देना है तो देखिए जस्ट डायमेंशन पुट कर, डायमेंशन पुट कर दिया मतलब क्या हो जाएगा, वो लाइन फिक्स्ड हो जाएगा, ऐसा कुछ लाइन है, ठीक है। आप इसको आप कॉर्नर कर सकते हो तो देखोगे लाइन छोटा बड़ा नहीं होगा। तो देन इसको मैंने अनचेक कर दिया, देन कॉर्नर में चल गया। उसके बाद इस पोर्शन देन इस पोर्शन को आप सिलेक्ट करो, देन यहाँ पे ओके यस। अच्छा यहाँ पे कुछ कर दिया, जस्ट राउंडिकल करो और कुछ नहीं, यहाँ पे बेस करके यहाँ पे आप 20 करो। हर एक पोर्शन को आप सिलेक्ट करो, चैम्फर में जाओ, इसको भी मैंने 20 कर दिया। फिर से
ए पोर्शन और एक ए पोर्शन, दो पोर्शन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद इसको भी आप 20 डालो। फिर से इसमें आओ, इसको भी आप 20 डालो। देन लास्ट जो ये पोर्शन है इसको भी आपको चैम्फर करना है, तो इसमें जाओ देन इसमें आओ, इसमें भी 20। तो देखिए हर एक कॉर्नर मैंने राउंडिकल शेप में चेंज कर दिया, ठीक है, राउंडिकल शेप में सब कुछ चेंज कर दिया। देखिए यहाँ पे जो भी है सब राउंडिकल हो गया है। अब मुझे क्या करना है, तो पाथ हो गया है, देन मुझे प्रोफाइल ड्रॉ करना है। क्या करना है, प्रोफाइल ड्रॉ करना है। प्रोफाइल चाहो तो रेक्टेंगुलर भी हो सकते है या फिर सर्कुलर भी हो सकता है। तो देन मैंने इसको एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने के बाद देखिए ऐसा कुछ लाइन वगैरह आ गया है, ऐसा कुछ लाइन वगैरह आ गया है, मगर ये देखिए मेरा प्लेन के रेस्पेक्ट में नहीं है, प्लेन के रेस्पेक्ट में नहीं है, प्लेन को छोड़ के मैंने बाहर कर दिया। तो मुझे यहाँ पे कुछ अगर ड्रॉ करना है, यहाँ पे ये जो लाइन का एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट को ही टच करके आप तो प्रोफाइल ड्रॉ करोगे ना, तो यहाँ पे अगर प्रोफाइल ड्रॉ करना है तो यहाँ पे पहले एक प्लेन ले आना चाहिए। प्लेन के हिसाब से आप प्रोफाइल ड्रॉ करोगे, तो प्लेन कैसे ले आओगे, यहाँ पे ये जो एंड पॉइंट है या फिर ये जो एंड पॉइंट है, ये दो एंड पॉइंट में आप प्लेन कैसे ले आओगे। प्लेन ले आने के बाद उसके बाद ही तो आप प्रोफाइल ड्रॉ करोगे। तो प्लेन ले आने के लिए मतलब ये तीन प्लेन को छोड़ के और भी आपको अगर ऑर्डिनरी कुछ प्लेन क्रिएट करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये जो कमेंट बॉक्स रहता है यहाँ पे कमेंट बॉक्स रहता है, कमेंट बॉक्स में आप टाइप करोगे, क्या टाइप करोगे, सी कोलोन, ठीक है, सी कोलोन प्लेन, पी एल ए एंड ई, क्या लिखा मैंने, देखिए सी कोलोन प्लेन। देने के बाद आप एंटर करोगे, एंटर करने के बाद देखिए एक प्लेन डेफिनेशन बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा, सी फॉर कमांड कोलोन प्लेन, प्लेन का मैंने कमांड दिया तो प्लेन का डेफिनेशन बॉक्स आ जाएगा सामने में। तो आने के बाद आपको क्या करना है, इस एंड में या फिर इस एंड में एक मुझे एक प्लेन लेना है। तो आप क्या करोगे, पहले ये जो लाइन है लाइन को सिलेक्ट करोगे, पहले ये जो लाइन दैट मीन जो पाथ, पाथ जो है पाथ को आप सिलेक्ट करो। पाथ को सिलेक्ट करने के बाद देखिए एक ग्रीन कलर का प्लेन आ जाएगा, एक ट्रांसफर करने के बाद देखिए ग्रीन कलर का ऐसा कुछ प्लेन आ जाएगा। देन ये जो लाइन है लाइन का जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट के ऊपर में जाइए, फिंगर साइन इंडिकेट करेगा, देन इसके ऊपर एक बार क्लिक कर लीजिए, तो देखिए एंड पॉइंट को बेस करके और एक प्लेन आ जाएगा। देन इसको आप ओके करो, देखिए एंड पॉइंट को बेस करके परपेंडिकुलर एक प्लेन आ गया है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, इस प्लेन को आप सिलेक्ट करो, देन नॉर्मल टू, वो प्लेन आपके सामने में आ जाएगा। अगर ड्रॉ करने के लिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या फिर समझने के लिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा रोटेट कर दो डिजाइन को, देखिए ऐसा करके मैंने थोड़ा रोटेट भी कर लिया। अब मुझे क्या करना है, प्रोफाइल ड्रॉ करना है, तो सर्कल को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद इस ओरिजिन पॉइंट में जाओ, लगभग सेंटर को बेस करके एक प्रोफाइल ड्रॉ करो। प्रोफाइल ऐसा ही प्रोफाइल ड्रॉ करोगे कि ये जो सर्कल राउंडिकल वाला पोर्शन का जो आपने रेडियस लिया था, मतलब कॉर्नर को कट करने के लिए या फिर फिलेट करने के लिए जो रेडियस लिया था, वो रेडियस के हिसाब से सर्कल का प्रोफाइल का डायमेंशन डालोगे। ज्यादा अगर डायमेंशन दे दिया सर्कल का तो क्या होगा, वो जब बेंड करेगा एक पार्ट के साथ दूसरा पार्ट ओवरलैप हो जाएगा, तो वो रिब नहीं लेगा। तो इस हिसाब से आपका जो प्रोफाइल आप बनाओगे उसका डायमेंशन चेक कर लेना कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए 28 है, तो मैंने यहाँ पे 20 दे दिया डाया, 20 दे दिया डाया। तो देखिए ये एक पाइप किस्म का कुछ हो गया है, तो देन इसको मैंने एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने के बाद आप देख सकते हो एक है प्रोफाइल, आई मीन सर्कुलर वाला पोर्शन जो है प्रोफाइल, और इस हिसाब से ये हो गया पाथ। देन रिब में जाइए, प्रोफाइल कौन सा है, सर्कुलर वाला पोर्शन प्रोफाइल है, और सेंटर कर्व कौन सा है, ये है सेंटर कर्व, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करो, देखो अप टू लास्ट एक पाइप बन जाएगा। देन इसको अगर आप ओके करोगे तो सॉलिड पाइप बन जाएगा, अगर हॉलो करना है तो थिकनेस जाओ, जाके 1 या फिर 2 लिखो, 2 लिखने के बाद आप इसको ओके करो, तो देखो एक तो पाइप बन जाएगा। अगर इसको आप रोटेट करोगे तो आप दिख पाओगे क्या होगा, मतलब हॉलो पाइप हुआ है, ठीक है।
तो थोड़ा रोटेट करो, देखो हॉलो फाइव, अप टू लास्ट तक हॉलो फाइव, और यहाँ पे जो ये प्लेन है काम में नहीं लगेगा, तो इसको हाइड करो। अगर इसके ऊपर कुछ कलर वगैरह देना है तो आप इसमें कलर भी दे सकते हो। पार्ट बॉडी को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई मटेरियल में आके आप देखिए पेंट वाला पोर्शन में आके मैं यहाँ पे कोई भी मटेरियल यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। इतना सारा पेंटिंग वाला कलर है, अब कोई भी एक कलर दे दो, जैसा कि मैंने रेड वाला पोर्शन अगर देता हूँ तो कैसे क्या दिखोगे। शेडिंग विद मटेरियल कीजिए, तो देखिए रेड कलर वाला पाइप यहाँ पे मिल जाएगा। रोटेट करके देखो, देखिए एकदम एक हॉलो पाइप के जैसा मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। जो एयर कंडीशनिंग पोर्शन या फिर फ्लूइड वाला पोर्शन जो रहता है मैकेनिकल का, वो वहाँ पे हम लोग ऐसा ही करके, जो रेफ्रिजरेटर सिस्टम में देखोगे पीछे में जो पाइप वाला पोर्शन है, ऐसा करके ही हम लोग वन बाई वन पाइप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखिए ऐसा कुछ पोर्शन में अगर पाइप ड्रॉ करना चाहते हो तो कर पाओगे। अच्छा देखो क्या, ट्रांसफॉर्मेशन से ओरिजिन में नहीं कर सकते हैं। अच्छा ये क्या देखिए, ओरिजिन इनर और आउटर सरफेस में डिफरेंस कलर करने के लिए आपको डिफरेंस पार्ट ड्रॉ करना है, तो सिंपल एक पार्ट डिजाइन है ना, तो इसमें आप एक ही कलर यूज कर सकते हो। इनर और आउटर अगर करना चाहते हो तो असेंबल में कर सकते हो आप। इनर और आउटर में अलग 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 कलर देना चाहते हो तो वो असेंबल में जाना पड़ेगा। असेंबल में जाने के बाद आप इनर और आउटर में अलग अलग कलर दे सकते हो। ठीक है, ओ तो चलो कोई बात नहीं है, पहले देखो प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैं कुछ टाइम दे रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, लगभग 12:03 हुआ है, लगभग मैं 5 से 6 मिनट आपको टाइम दे रहा हूँ, आप लोग एक बार ट्राई करो अपना कंप्यूटर में। ठीक है, ये दो पोर्शन, एक ग्रूव और एक रिब, ट्राई, और एक पोर्शन होता है रिब, रिब यूज करके और एक पोर्शन आप देख सकते हो। तो चलो और एक दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और एक पोर्शन में दिखा रहा हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस कर लेना। आप लोग तो जानते हो कि स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग मतलब मैकेनिकल स्प्रिंग जो होता है वो आपको शॉक एब्जॉर्ब के लिए हम लोग यूज करते हैं। मैकेनिकल स्प्रिंग वो टेंसियल फोर्स या फिर कॉम्प्रेसिव फोर्स में भी आप लोग यूज कर सकते हो, स्प्रिंग वगैरह पोर्शन। तो वही पार्ट हम लोग आज दिखाएंगे, स्प्रिंग कैसे आप लोग, आई मीन हेलिकल स्प्रिंग जो होता है, हेलिकल स्प्रिंग आप कैसे ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो एक बार देखो मैं यहाँ पे हेलिकल्स, देखिए रिप का यूज किंतु बहुत है, आप कोई भी टाइप का पाइप, जैसे कि आप पहले मैंने देखा स्प्लाइन को बेस करके वो भी कर सकते हो, या फिर लाइन को बेस करके ये भी कर सकते हो। अगर आपको हेलिकल स्प्रिंग ड्रॉ करना है, हेलिकल अगर स्प्रिंग ड्रॉ करना है तो वो कैसे करोगे एक बार देखो। ठीक है, देखो एक बार, अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके भी मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। राकेश ने किया, ट्रांसफॉर्मेशन से ओरिजिन में नहीं कर सकते क्या? आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं है, अगर आप चाहो तो माइक अनम्यूट करके एक बार क्वेश्चन कर सकते हो मुझे। ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन ठीक ठाक से मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप चाहो तो माइक अनम्यूट कर सकते हो, करके मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट जो पोर्शन में दिखाऊंगा वो है स्प्रिंग कैसे होता है, तो इसको मैं कट कर देता हूँ। स्टार्ट मैकेनिकल डिजाइन देन पार्ट देन ओके, एक स्प्रिंग डिजाइन करूंगा। ठीक है, तो स्प्रिंग डिजाइन करने के लिए आप क्या करना है, आपको क्या करना है, पहले स्प्रिंग का जो डाया होगा ना वो एक बार देख लेने चाहिए, स्प्रिंग का कितना डाया होगा। सपोज मैं एक स्प्रिंग डिजाइन करूंगा जिसका डाया होगा 150, 150 डाया होगा, तो 150 डाया होगा तो रेडियस कितना होगा, आधा 75, 150 का आधा कितना होता है, 75 ही होता है, तो 75 डिस्टेंस लेके मैं पहले एक ओरिजिन को बेस करके एक पॉइंट क्रिएट करूंगा स्प्रिंग ड्रॉ करने के लिए। एक बार देखो क्या करना है, तो पहले ये जो फ्रंट वाला प्लेन है, आई मीन फ्रंट वाला परपेंडिकुलर वाला जो प्लेन है, इसको आप सिलेक्ट करो, करने के बाद स्केच में आकर आप क्लिक करो। ठीक है, स्केच वाला पोर्शन में क्लिक कर लिया,
तो मैंने ये बोल दिया था कि 150 डाया, लेके एक स्प्रिंग होगा तो 150 अगर डाया होगा तो आधा कितना होगा, आधा रहेगा 75। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ, पॉइंट यूजिंग कोऑर्डिनेट, आप लोग जानते हो कैसे करके लेना है। हॉरिजेंटल में रहेगा 75 और वर्टिकल में रहेगा 0। वर्टिकल में 0, देखिए हॉरिजेंटल में 75 मतलब हॉरिजेंटल ओरिजिन को बेस करके हॉरिजेंटल में आएगा 75, वर्टिकल 0 मतलब हॉरिजेंटल लाइन को बेस करके ही पॉइंट मिल जाएगा, देन ओके। तो देखिए 75 डिस्टेंस और वर्टिकल में 0 डिस्टेंस लेके ऐसा कुछ मेरा पॉइंट मिल गया मुझे। देन इसको मैं पॉइंट लेने के बाद इसको मैं एग्जिट करता हूँ, थोड़ा देखो एग्जिट कर दिया। तो ये हो गया पॉइंट जो ओरिजिन को बेस करके हॉरिजेंटली 75 डिस्टेंस दूरी में है, ठीक है। तो हो जाने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे कुछ स्प्रिंग वगैरह डिजाइन करना है, स्प्रिंग वगैरह डिजाइन करना है। तो स्प्रिंग करने के लिए आप क्या करोगे, कमांड जो बॉक्स है इसमें फिर से जाओगे, स्प्रिंग के लिए आप यहाँ पे कमांड डालोगे सी, कमांड के लिए सी देन कोलोन, मुझे क्या लेना है स्प्रिंग लेना है, तो स्प्रिंग के लिए आप कमांड देखोगे एच ई एल आई एक्स, क्या लिखा सी कोलोन हेलिक्स, सी कोलोन हेलिक्स, हेलिक्स लिखने के बाद आप इसको एंटर करोगे, एक चार्ट आपके सामने में आ जाएगा, वहां पे देखिए क्या दिख रहा है, सेंटर स्टार्टिंग पॉइंट, कौन सा वाला पॉइंट को बेस करके आप ड्रॉ करना चाहते हो स्ट्रिंग। तो मैंने तो एक पॉइंट ले ही लिया है, ये वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पे जब नो सिलेक्शन दिखाएगा, मतलब नो सिलेक्शन दिखाया मतलब आपको कुछ पोर्शन सिलेक्शन करना है, मगर कारसेट को आके यहाँ पे एक बार क्लिक कर लेना, ब्लू कलर का सिलेक्शन जब देगा तब यहाँ पे आके आप स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है ये वाला, इसको आप सिलेक्ट करो। देन एक्सिस कौन सा वाला एक्सिस को बेस करके आप स्ट्रिंग बनाओगे, तो देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा है, कंपास में देखो कौन सा वाला एक्सिस है परपेंडिकुलर एक्सिस, जेड वाला एक्सिस है परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। तो इस जेड वाला एक्सिस को बेस करके हम लोग एक स्ट्रिंग बनाएंगे, तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस जेड है, तो एक्सिस यहाँ पे कैसे सिलेक्ट करोगे, नो सिलेक्शन जहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे आके राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, अगर चाहो तो आप इंडिविजुअल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, मगर मुझे जेड एक्सिस चाहिए तो मैं यहाँ पे जेड एक्सिस को मैंने सिलेक्ट कर लिया, जेड एक्सिस को सिलेक्ट कर लिया ऐसा कुछ। यहाँ पे देखिए क्या है, पिच है और हाइट है, और चाहो तो आप रेगुलेशन भी दे सकते हो, ठीक है, पिच हाइट रेगुलेशन भी देके भी है। पीच मतलब क्या होता है, ये जो देखते हो आप जो देख रहे हो दोस्त, ये सर्किल जा रहा है ना, ये देखिए बहुत सारा सर्किल है राउंडिकल, एक सर्किल से देखे दूसरा सर्किल का गैप, एक सर्किल से लेके दूसरा सर्किल का गैप को कहते हैं हम लोग, कहते हैं पीच कहते हैं। तो यहाँ पे पीच 1 दिया है, अगर आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा देखिए, तो मैंने इंक्रीज कर दिया, तो इस टाइप का कुछ देखिए हाइट हो रहा है, कितना 38 हाइट दे रहा हूँ पीच का वाला हाइट। और देन इसके बाद हम लोग रेगुलेशन, रेगुलेशन मतलब कितना ट्राम्स लगाएगा वो रेगुलेशन आप यहाँ पे दे सकते हो, या फिर आप हाइट भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो देखिए हाई यहाँ पे मैं हाइट दे सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए ऐसे करके आपका स्प्रिंग वगैरह पोर्शन का स्केच क्रिएट होगा, थोड़ा छोटा करो डिजाइन, थोड़ा छोटा करता हूँ, करने के बाद हाइट डालो यहाँ पे, प्रेस करके रखो, देखो खुद ब खुद होता जाएगा। आपका अगर रिक्वायरमेंट कुछ हाइट है तो आप डायरेक्टली हाइट वगैरह पोर्शन दे सकते हो, तो मेरा तो कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं तो फ्री हैंड कर रहा हूँ, तो इसलिए प्रेस करके रख दिया, जितना हो सके वो जाए, कुछ नीचे में ले आओ, फिर से हाइट डालो, 273 टाइप का हो गया, देखिए फिर से हाइट देके उठ रहा है ऊपर में। प्रैक्टिस करोगे नहीं तो सामने वाला पोर्शन सब भूल जाओगे, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ घर में टाइम मिले या फिर कॉलेज में, अगर आपको टाइम मिले तो कॉलेज में जाके आप लोग प्रैक्टिस करो, बहुत सारा दोस्त लोग मिल जाएगा और वीडियो रिकॉर्ड भी रहेगा, वीडियो रिकॉर्ड देखो और प्रैक्टिस करो। तो देखिए मैंने ऐसा कुछ स्प्रिंग टाइप का यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पे पीच मतलब क्या हुआ, एक स्प्रिंग का एक मतलब ट्राम से और दूसरा जो ट्राम से, दो ट्राम का बीच का गैप कितना है 38, तो मैंने इसको कुछ 35 कर दिया, ठीक है, लगभग एक राउंडिकल एक फिगर दे दिया 35, और ये 479 478 है, तो इसको मैं 500 कर दिया टोटल, ठीक है।
तो चलो 500 कर दो। एज रिक्वायरमेंट वैल्यू रहता है, आप चाहो जितना चाहो वो दे सकते हो। ये होता है क्लॉकवाइज और एक होता है काउंटर क्लॉकवाइज। अगर आप चाहो तो क्लॉकवाइज भी दे सकते हो, अगर चाहो तो काउंटर क्लॉक भी दे सकते हो। ये होता है टैपर एंगल, ये बाद में दिखा होगा, ट्रैफर एंगल उतना नहीं है। टैपर एंगल मतलब अगर वो टैपर टाइप का कुछ स्प्रिंग बनाना है इनवर्ड या फिर आउटवर्ड, वो मेरा सिर्फ ऐसा ही कुछ स्प्रिंग अगर ड्रॉ करना है तो ठीक है। चलो करने के बाद जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में क्लिक करोगे तो नीचे हो जाएगा, अपर करोगे तो ऊपर में ही रहेगा, देन इसको ओके करो। तो ओके करने के बाद क्या हो गया, देखिए ये जो बन गया है ये हो गया आपका प्रोफाइल पाथ। देखिए ये हो गया आपका पाथ, और इस हिसाब से आपको क्या करना है, एक प्रोफाइल ड्रॉ करना है। तो प्रोफाइल ड्रॉ करना है मतलब वो सर्कुलर पोर्शन इस एंड पॉइंट को, आप चाहो तो ऊपर का जो एंड पॉइंट है इसको बेस करके भी कर सकते हो, या फिर नीचे में जो एंड पॉइंट है इस एंड पॉइंट को बेस करके भी आप कर सकते हो। तो इसके लिए मैं थोड़ा इसको रोटेट करता हूँ, थोड़ा थोड़ा रोटेट करने के बाद ये जो नीचे में जो पॉइंट है ना, पॉइंट को हाइट कर दो, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके हाइट करो, पॉइंट हाइट कर दिया, पॉइंट का तो काम हो गया, आप रखोगे पॉइंट हाइट कर दिया। देन यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जाओगे, जाने के बाद लिखोगे सी कोलोन स्विफ्ट दबा के कोलोन, देन क्या लिखना है, हेलिक्स, HELIX, सी कोलोन हेलिक्स, देन एंटर। देने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, एंड वाला पोर्शन होता है स्टार्टिंग पॉइंट, बस स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया। देने के बाद एक्सिस कौन सा रहेगा, वही जेड एक्सिस रहेगा, तो यहाँ पे आके जेड ना हेलिक्स तो कर दिया, सॉरी हेलिक्स नहीं, यहाँ पे मुझे प्लेन चाहिए, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, हेलिक्स तो हो गया, मुझे यहाँ पे प्लेन चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख दो सी कोलोन प्लेन, PLANE, सी कोलोन प्लेन, प्लेन लिखने के बाद एंटर करो, प्लेन का डेफिनेशन बॉक्स आ जाएगा। देन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पहले हेलिक्स का जो ए पोर्शन है मतलब ये जो स्प्लाइन वाला पोर्शन है इसको आप पहले सिलेक्ट करो, देखोगे ग्रीन कलर का प्लेन आ जाएगा, और हेलिक्स का जो एंड पॉइंट है एंड पॉइंट में आके फिर से और एक बार क्लिक करो तो एंड पॉइंट को बेस करके और एक प्लेन आ जाएगा। देन ओके, तो ये जो नया प्लेन आया है इस नया प्लेन बन के ही हम लोग प्रोफाइल वाला पोर्शन ड्रॉ करेंगे। तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद नॉर्मल टू देखिए सामने में आ गया है, और इस पोर्शन को बेस करके हम यहाँ पे कुछ सर्किल वगैरह ड्रॉ करेंगे। तो थोड़ा जूम करो, मैंने इसका पीच का वैल्यू दिया था 35। ओके तो एक सर्किल ड्रॉ करता हूँ इस ओरिजिन को मेंटेन करके, अगर कुछ दिक्कत है तो आप चाहो तो इसको थोड़ा रोटेट भी कर सकते हो देखने के लायक। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा इसको रोटेट भी कर दिया, करने के बाद ये जो पॉइंट है लगभग ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बेस करो, बेस करके एक सर्किल ड्रॉ करो। एक मैंने सर्किल ड्रॉ कर लिया है, याद रखना सर्किल का जो डाया आप दोगे, देखो एक बार डाया कितना है 20 डाया, तो 20 इसको मैंने टोटल 20 कर दिया, 20 20 कर दिया डाया, 20 डाया मींस कितना हो जाएगा, देखिए सेंटर से पेरिफेरी तक हो जाएगा 10, यही सर्कल तो ये ऊपर वाला हिस्सा भी कवर करेगा, ठीक है। तो देखिए ये सेंटर से पेरिफेरी तक हो जाएगा 10, अगर ऊपर में कवर किया तो वो भी सेंटर से पेरिफेरी हो जाएगा 10, तो 10 10 20 टोटल था 35। तो 35 से अगर आप 20 अगर कट करोगे तो कितना रहता है 15, आई मीन दो स्प्रिंग का बीच का गैप रहेगा, मतलब दो स्प्रिंग का जो सॉलिड वाला पोर्शन बनेगा वो उसका गैप रहेगा 15। फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखिए पीच मैंने दिया था 35, तो मैंने डाया कर दिया था 20, 20 डाया मीन सेंटर टू पेरीफेरी होगा 10, सेंटर टू पेरीफेरी रहेगा 10, और यही सर्कल ए वाला पोर्शन को भी कवर करके ऊपर तक जाएगा, तो उसमें भी देखिए सेंटर से पेरीफेरी तक रह जाएगा 10, तो यहाँ पे भी 10 नीचे में भी 10, तो 10 10 मिला के कितना हो जाता है 20 हो जाता है, 10 10 मिला के 20, टोटल था 35, तो 35 से अगर आप 20 बाद कट कर दोगे तो कितना रहेगा 15, आई मीन स्प्रिंग का दो जो ट्रांस होगा दो ट्रांस के बीच का गैप रहेगा 15, ठीक है। तो इसके बाद आप इसको एग्जिट करो, एग्जिट करने के बाद यहाँ पे जो रिव है रिव को सिलेक्ट करो, प्रोफाइल कौन सा है प्रोफाइल है ए, और पाथ कौन सा है पाथ होगा ए, तो देख देने के बाद आप इसको ओके करो, तो आप देखोगे एक स्प्रिंग बन जाएगा, प्लेन का कोई भी जरूरी नहीं है, तो प्लेन को आप हाइड करो और इसको आप शेयरिंग विथ एचएस, इसको अगर छोटा करोगे तो देखिएगा इस टाइप का एक स्प्रिंग आपके सामने में बन जाएगा, इसको रोटेट करो, देखिए ऐसा कुछ आपका स्प्रिंग हो गया है देखिए, और ये दो स्प्रिंग का गैप कितना रहेगा 15 रहेगा, और यहाँ पे जो भी प्लेन है ये प्लेन को आप हाइड करो,
यहाँ पे आओ, इसको हाइट करो, देन इसको हाइट करो, देन इसको भी हाइट करो। कलर देने के लिए पार्ट बॉडी, देन मेटेरियल, देने के बाद पेंटिंग, देन लाइट ब्लू, देन ओके। और यहाँ पे आके देखने के लिए मेटेरियल, तो ब्लू कलर। तो अगर आप देखोगे तो आप जो स्प्रिंग बनाया हो वो स्प्रिंग इस टाइप का कुछ बन जाएगा। ठीक है, देखिए प्रॉपर स्प्रिंग और उसी सब से उसका कलर। देखिए ए भी हो गया, किससे? ए भी हो गया रिब वाला पोर्शन से। रिब वाला पोर्शन यूज करके मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है गाइस, देखो पूरा स्प्रिंग रग लग रहा है ना, पूरा एकदम परफेक्ट स्प्रिंग रग लग रहा है ना। तो ऐसे करके ही आप लोग को करना है। 5 मिनट का मैं ब्रेक दे रहा हूँ, किसी का अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बोल सकते हो। 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, 5 से 6 मिनट ब्रेक। आप लोग अपना कंप्यूटर में थोड़ा देखो, आप लोग आपका कंप्यूटर में थोड़ा देखो, 5 मिनट से 6 मिनट तक मैं ब्रेक दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद और भी बाद बाकी जो पोर्शन है वो वाला पोर्शन लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। 5 से 6 मिनट में ब्रेक दे रहा हूँ, आप लोग देखो अपना कंप्यूटर में। और किसी का कोई भी क्वेश्चन है अगर पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ये क्लियर है ना, रिप वाला पोर्शन क्लियर है ना? अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में जाओ, जाके लिखो क्लियर। अगर रिब वाला पोर्शन क्लियर है तो चैट बॉक्स में जाओ, जाके लिखो क्लियर। सबको बोल रहा हूँ, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो बोल सकते हो। 5 मिनट टाइम दे रहा हूँ, अब लोग प्रैक्टिस करो। 18 हुआ है, मैं 23 तक वेट करूंगा, देन 23 के बाद हम बाद बाकी पोर्शन, मतलब इसके बाद जो पोर्शन है वो पोर्शन लेके डिस्कस करेंगे। तो आप लोग थोड़ा ट्राई करो, देखो। अमित कुमार, स्प्रिंग वाला पोर्शन फिर से बताना पड़ेगा। स्प्रिंग वाला पोर्शन, ओके। जो लोग समझ गए हो, क्लियर है, वो लोग अपना कंप्यूटर में प्रैक्टिस करो। जो लोग अभी तक नहीं समझ में आया, मतलब कुछ पोर्शन प्रॉब्लम है, तो मैं उसको फिर से दिख रहा हूँ, आप लोग एक बार देखो। ठीक है, स्प्रिंग वाला पोर्शन, तो स्प्रिंग वाला पोर्शन के लिए आप लोग क्या करोगे, पहले एक बार फिर से देखो। इसको मैंने कट कर दिया, स्टार्ट मैकेनिकल देन पार्ट देन ओके। पहले एक पॉइंट लेना है, ठीक है, कोई भी एक पोर्शन को सिलेक्ट करो, कोई भी एक प्लेन को। आप चाहो तो फ्रंट वाला प्लेन भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने फ्रंट वाला पोर्शन सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद स्केच में चल गया। जाने के बाद सपोज एक डायर आएगा स्प्रिंग का, परफेक्ट। तो सपोज मैंने डाया दे दिया 200 डाया, ठीक है, 200। पहले मैंने दिया था 150, अब दे रहा हूँ 200। 200 डाया करोगे तो उसका रेडियस कितना आएगा? 100 रेडियस आएगा। तो आप क्या करोगे, पॉइंट यूजिंग कोऑर्डिनेट पे जाओ, डाया 200 तो रेडियस रहेगा 100, तो मैं यहाँ पे 100 वाला पोर्शन ले रहा हूँ। 100 वर्टिकल में 0, वर्टिकल में 0, और हॉरिजॉन्टल में 100, मतलब इस पॉइंट में आके आपका एक पॉइंट मिल जाएगा। तो इसमें आके आप ओके करो, तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आपको मिल गया। देन इसका आप एग्जिट करो, एग्जिट करने के बाद देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा। देन आपको क्या करना है, इसमें आना है, आने के बाद यहाँ पे कुछ मुझे तो आप हेलिक्स ड्रॉ करना है स्प्रिंग करने के लिए। तो यहाँ पे आके आपको लिखना है सी कोलोन हेलिक्स, ठीक है, सी कोलोन हेलिक्स, एच ई एल आई एक्स, सी कोलोन हेलिक्स लिख के आप एंटर करो। स्टार्ट पॉइंट कौन सा होगा, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया है वही हो जाएगा स्टार्ट पॉइंट। ओके, एक्सिस देना पड़ेगा, कौन सा एक्सिस को बेस करके रहेगा? तो परपेंडिकुलर एक्सिस जो है जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस को बेस करके रहेगा। तो यहाँ पे आओ, राइट क्लिक करो, नो सिलेक्शन एक्सिस में, जहाँ पे नो सिलेक्शन लिखा हुआ है इसमें आओ, आने के बाद राइट क्लिक करो,
राइट क्लिक करने के बाद एक्सिस कौन सा होगा, जेड वाला एक्सिस होगा, जेड को सिलेक्ट करो। जेड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है ना पिच, दिख रहा है ना पिच, मतलब पिच क्या होता है, दो जो स्क्रीन का जो दो लाइन है ना, दो लाइन का बीच का जो गैप है उसको कहते हैं पिच। तो मुझे पिच 1 है, इसको थोड़ा इंक्रीज करना है, तो मैंने यहाँ पे देखिए इंक्रीज कर दिया। पहले डिजाइन में मैंने पिच का वैल्यू दिया था 35, तो यहाँ पे भी देखिए 35 दे दिया। 35 देने के बाद आप देना है हाइट, देना है हाइट कितना है, सपोज हाइट मैंने दे दिया 500 हाइट डायरेक्टली प्रेस कर दिया, तो आप देखो 500 हाइट लेके ये पोर्शन हो जाएगा। अगर आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट वैल्यू है तो आप दे सकते हो, या फिर छोड़ दो, एक एक करके कर सकते हो। तो देखिए 35 पिच, पिच मतलब क्या, पिच मतलब एक लाइन और ये है दूसरा लाइन, ये दो लाइन का बीच का गैप, दो लाइन का बीच में जो गैप है वो रहेगा 35 गैप, आई मीन पिच गैप 35। टोटल हाइट कितना है, टोटल हाइट है ओरिजिन को बेस करके 500 है, टोटल हाइट 500। और ये कौन सा वाला एक्सिस को बेस करके हुआ है, जेड वाला एक्सिस को बेस करके हुआ है, देन ओके। करने के बाद ये जो पॉइंट है, पॉइंट को आप हाइट कर देना, राइट क्लिक करो, करने के बाद हाइट करो। हाइट करने के बाद यहाँ पे क्या लेना है, प्लेन लेना है, तो प्लेन लेने के लिए आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जाओगे, जाने के बाद आप लिखोगे C colon प्लेन, PLANE प्लेन लेना है ना ऑर्डिनरी, ये तो आप मिडिल वाला प्लेन को बेस करके नहीं कर पाओगे क्योंकि साइड में आपको प्रोफाइल ड्रॉ करना है, तो आप C colon प्लेन सेलेक्ट करोगे, करने के बाद एंटर करोगे, प्लेन वाला डेफिनेशन बॉक्स आ जाएगा। तो पहले आप इस स्प्रिंग को सिलेक्ट करो, एंड पॉइंट को मत सिलेक्ट करो, स्प्रिंग को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद देखोगे ग्रीन कलर का प्लेन ऐसा कुछ आ जाएगा, और क्या होगा, एंड पॉइंट को बेस करके आपको करना है, तो ये जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट में आके देखोगे, जब एंड पॉइंट में आओगे तो फिंगर साइन दिखाएगा, ठीक है, ऐसा करके, तो इसमें आके अगर क्लिक कर दो तो देखिए एंड पॉइंट को बेस करके फिर से और एक बार प्लेन मिल जाएगा, देन ओके। करने के बाद देखिए ये तो पाथ हो गया है, और इस प्लेन को बेस करके मुझे प्रोफाइल ड्रॉ करना है, तो इस जो प्लेन है ये प्लेन को आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद स्केच में फिर से चल जाओ, स्केच में चल गया, जाने के बाद यहाँ पे देखिए मेरा जो ओरिजिन वाला पोर्शन है, ए वाला पोर्शन है, और यहाँ पे मैं इसको बेस करके एक सर्किल वगैरह ड्रॉ करूंगा, तो सर्किल में आओ, ये जो एंड पॉइंट है, लगभग ये जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट को बेस करके एक सर्किल बनाओ, एक सर्किल बनाया है ऐसा कुछ। सर्किल बनाने के बाद इसका कुछ डाया वगैरह देना है, तो स्मार्ट डायमेंशन, देन इसको सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद सपोज इसका डाया दे दिया 15, इसका डाया दे दिया कितना 15, तो 15 डाया, तो 15 मीन्स आप बोल सकते हो सेंटर से बेस करके ऊपर तक 15 में 7.5 रहेगा, 15 डाया है तो रेडियस कितना रहेगा 7.5, यही सर्किल ऊपर में भी कवर करेगा तो इसमें भी रहेगा 7.5, तो 7.5 देन यहाँ पे भी 7.5, तो टोटल कितना हो जाता है 15, और मैंने यहाँ पे टोटल पिच वैल्यू दिया था 35, तो 35 माइनस 15 अगर करोगे तो 35 माइनस 15 करोगे तो वैल्यू रहेगा 20, मतलब दो ट्रांस जो रहेगा, ट्रांस का बीच का गैप, स्प्रिंग का जो ट्रांस, दो ट्रांस रहेगा, बीच का गैप रह जाएगा कितना 20 रह जाएगा, ठीक है। तो इतना दूर करने के बाद इसको आप एग्जिट करो, एग्जिट करने के बाद ये सर्किल थोड़ा साइड में हो गया है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, कवर कर लेगा, तो रिब में चल जाओ, जाने के बाद इसको सिलेक्ट करो प्रोफाइल, और देन ये सिलेक्ट करो पाथ, सिलेक्ट करने से आप देख पाओगे हो जाएगा पूरा, तो देन ओके। तो देखो इस टाइप का हो जाएगा, इस प्लेन को आप हाइट करो, प्लेन को हाइट कर दिया, और यहाँ पे जो तीन प्लेन है, इस तीन प्लेन को भी मैं हाइट कर देता हूँ, एक हाइट हो गया, देन ए भी हाइट हो गया, देन यहाँ पे जो और एक प्लेन है इसको भी आप हाइट करो, तीन प्लेन भी हाइट हो गया। हाइट हो जाने के बाद पार्ट बॉडी, देन मेटेरियल में जाओ, जाने के बाद आप पेंटिंग में आके किसी भी एक कलर को सिलेक्ट करके ओके करो, तो देखिए इस टाइप का कुछ आपका स्प्रिंग बन जाएगा। अगर रोटेट करके दिखना है तो रोटेट में आओ, देखो इस टाइप का स्प्रिंग, क्लियर है, क्लियर है अमित कुमार, क्लियर है, देखिए ट्राई कीजिए। अच्छा नेक्स्ट जो हम
रीफ के बाद क्या करना है, रीफ के बाद क्या करना है। एक बार में टाइम दिया था, एक बार प्रैक्टिस कर लो। ओके, अगर आप लोग का हो गया है तो नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग चल जाते हैं। आप लोग देखिए, मैं तो ये दिखा रहा हूँ, आप लोग को एक बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, नहीं तो घर में मिलेगा, वीडियो रिकॉर्ड मिलेगा, नहीं तो वीडियो रिकॉर्ड से भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट पोर्शन जो है, नेक्स्ट पोर्शन है स्लॉट। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन का नाम है स्लॉट। देखिए, मैं पैड दिखाया, पॉकेट दिखाया, शाफ्ट भी दिखाया, ग्रूव दिखाया, होल नहीं दिखाया, रीव दिखा दिया। अब नया पोर्शन है, नया पोर्शन का नाम है स्लॉट। ठीक है, स्लॉट का यूज कैसे होता है वो एक बार आप लोग देखो, स्लॉट कैसे डिजाइन करोगे। ठीक है, स्लॉट करने के लिए पहले एक सॉलिड ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाहिए। तो सब लोग देखो मेरा कंप्यूटर स्क्रीन, जो जितना दूर कर रहे हो रुक जाओ। देन ये जो मैं नया पोर्शन जो कर रहा हूँ, स्लॉट वाला पोर्शन, एक बार देख लो स्लॉट। तो ये पोर्शन को मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद फिर से एक पार्ट डिजाइन आप ओपन करो, मैकेनिकल देन पार्ट देन ओके। पार्ट डिजाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, पार्ट डिजाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे तो स्लॉट क्या होता है, रिब जो अपने सॉलिड में जो पाइप डिजाइन किए हो, स्लॉट में होता है क्या ना, कुछ सॉलिड वाला पोर्शन से अगर कुछ पोर्शन आपको रिमूव करना है तो कैसे करके रिमूव करोगे ना, उसमें भी एक प्रोफाइल रहेगा और उस हिसाब से और एक पाथ रहेगा। उस हिसाब से अगर कुछ मटेरियल आपको कोई सॉलिड मोबाइल सॉलिड मटेरियल से अगर रिमूव करना है तो आप लोग स्लॉट यूज करोगे। एक बार देखो कैसे होता है। किसी भी एक प्लेन, जैसा कि एक्स वाई प्लेन को सिलेक्ट करके नॉर्मल टू कर दिया, एक्स वाई प्लेन सिलेक्ट करके नॉर्मल टू कर दिया, करने के बाद एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। यहाँ से एक सेंटर रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, देखिए ऐसा कुछ सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ किया। सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद देखिए जैसा दिख रहा हो, देख लीजिए, देखिए ऐसा करने के बाद इसको एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने के बाद इसका कुछ हाइट वगैरह दे दिया, जैसा कि 20 समथिंग कुछ हाइट दो, ऐसा कुछ 34 देने के बाद इसको ओके कर दिया। तो देन एक अनसाइडेड विद एज कर दिया। तो देखिए ऐसा कुछ मैंने एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल वगैरह पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद ना क्या करोगे, ये जो रेक्टेंगल का जो अपर जो पोर्शन है, आई मीन अपर जो फेस है, यहाँ पे अपर फेस वगैरह पोर्शन जो है, ये फेस को आप सिलेक्ट करोगे। फेस सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद स्केच वाला पोर्शन में आओ, आने के बाद ओके करो, ओके कर दिया, तो ये फेस आपके सामने में आ जाएगा। देन देन आपको क्या करना है, देन यहाँ पे मैं एक प्रोफाइल ड्रॉ कर सॉरी पाथ ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्लाइन वगैरह जो है, स्प्लाइन को आप सिलेक्ट करो। यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, देखिए स्लाइन को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देन इसका कुछ ऐसा कुछ कंडीशन रहेगा, स्लाइन का ऐसा कुछ कंडीशन में मैं एक स्लाइन ड्रॉ कर लिया। तो स्लाइन क्या हो गया है, स्लाइन हो गया है पाथ। ठीक है, ये जो स्लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये स्लाइन हो गया है पाथ। और इस हिसाब से मुझको क्या ड्रॉ करना है, प्रोफाइल ड्रॉ करना है। इस हिसाब से प्रोफाइल ड्रॉ करना है, प्रोफाइल कहाँ पे होगा, सामने वाला फेस में होगा प्रोफाइल। तो आप इसको एग्जिट कीजिए, तो देख सकते हो ये हो गया है पाथ और प्रोफाइल फ्रंट में जो फेस है, मतलब ये जो पारपेंडिकुलर फेस है, ये पारपेंडिकुलर फेस को सिलेक्ट करके आपको प्रोफाइल ड्रॉ करना है। तो देखिए ये जो फेस है, इस फेस को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ओके आई मीन नॉर्मल टू कर दिया। करने के बाद अगर दिक्कत हो रहा है कौन सा वाला फेस सामने वाला फेस है, तो इसको थोड़ा रोटेट करो, थोड़ा रोटेट कर दिया। आप देख सकते हो ये है सामने वाला पॉइंट। इस पॉइंट को बेस करके मुझे और एक कुछ सर्कल या फिर रेक्टेंगल वगैरह पोर्शन ड्रॉ करना है। तो अगर आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, या फिर सर्कुलर वाला पोर्शन में जाओ, इस एंड पॉइंट में ले आओ। एंड पॉइंट में ले आने के बाद यहाँ पे एक सर्किल वगैरह पोर्शन ड्रॉ करो। तो देखिए एक सर्किल वगैरह पोर्शन मैंने ड्रॉ कर दिया, ऐसा कुछ ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद इसको मैंने एग्जिट कर दिया। तो आप लोग देख रहे हो ए है प्रोफाइल और ए है पाथ। ठीक है, ए है प्रोफाइल और ए है पाथ।
ये प्रोफाइल क्या होगा, इस पाथ को मेंटेन करके अप टू लास्ट तक जाएगा, और ये प्रोफाइल के अंदर जितना सॉलिड ऑब्जेक्ट मिलेगा, प्रोफाइल के अंदर देखिए जो मैंने डिजाइन किया है आधा पोर्शन ये सॉलिड को कवर करके आधा पोर्शन ऊपर में है, तो जितना पोर्शन सॉलिड को कवर करेगा वो पोर्शन रिमूव हो जाएगा ये सॉलिड मटेरियल से, राइट। तो देखिए इसके लिए हम लोग स्लॉट यूज करते हैं, काम एक ही है, प्रोफाइल कौन सा है, सर्कुलर वाला पोर्शन, और पाथ कौन सा है, आई मीन कर्व लाइन कौन सा है, कर्व लाइन है ए, तो दोनों को सिलेक्ट करो, देखिए ऐसा कुछ पोर्शन यहाँ पे हो जाएगा, देन इसको ओके करो, तो देखिए ऐसा कुछ कट हो जाएगा सॉलिड मटेरियल से, देखिए ऐसा कुछ कट करके ऐसा कुछ मटेरियल यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं स्लॉट, स्लॉट मीन्स ऐसा कुछ अगर आपको ड्रॉ करना है तो सॉलिड मटेरियल से अगर कुछ रिमूव करना है तो आप स्लॉट कर सकते हो। फिर से देखिए क्या कर रहा हूँ, देखिए इस सामने वाला फेस को सिलेक्ट करता हूँ, फेस सिलेक्ट करने के बाद फिर से स्केच, इसके ऊपर मुझे स्केच ड्रॉ करना है, तो इसको थोड़ा छोटा कर दिया, छोटा करने के बाद यहाँ पे मैं फिर से स्लाइन में आता हूँ, स्लाइन में आने के बाद यहाँ पे इस फ्रंट वाला फेस से मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, देखिए एक लाइन ड्रॉ कर लिया, लाइन ऐसा कुछ लाइन ड्रॉ करने के बाद ऐसा कुछ बाहर तक ऐसा कुछ ले लिया, ठीक है, लेने के बाद इसको आप यहाँ से कट कीजिए, तो देखिए ये हो गया एक पाथ, प्रोफाइल में सामने में ड्रॉ करूंगा, तो इसके लिए आप स्केच एग्जिट कीजिए, एग्जिट करने के बाद ये जो सामने वाला फेस है सामने वाला फेस को आप सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्केच में आइए, स्केच में आने के बाद थोड़ा जूम कीजिए, कहाँ पे प्रोफाइल ड्रॉ करोगे, अगर देखने में देखिए दो पॉइंट है कहाँ पे करोगे, देखने में अगर कुछ दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा रोटेट कर लीजिए डिजाइन को, थोड़ा रोटेट कर लीजिए, देखिए तो ए हो गया मेरा सामने वाला पोर्शन, तो आप सर्किल में जाओ, जाने के बाद ये जो हिस्सा है सामने वाला पोर्शन जो है सामने वाला पोर्शन को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद एक सर्किल ड्रॉ करो, लगभग ऐसा कुछ सर्किल मैंने ड्रॉ कर लिया, इसको एग्जिट कर दिया, एग्जिट करने के बाद आप फिर से देख सकते हो ए हो जाएगा प्रोफाइल और ए हो जाएगा पाथ, तो क्रॉस सेक्शनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ओवरलैप कट मिल जाएगा आप लोग को, तो थोड़ा छोटा करता हूँ और देन रोटेट भी कर सकता हूँ, देखिए ऐसा कुछ ए हो गया है प्रोफाइल और ए जो कार्व वाला पोर्शन है ये हो गया है पाथ, तो इसको आप क्या करोगे, फिर से स्लॉट में जाओगे, जाने के बाद सिलेक्ट करोगे प्रोफाइल कौन सा है, प्रोफाइल है ए, और पाथ कौन सा है, पाथ हो गया है ए, तो इसको आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद देन ओके करो, तो देखिए ऐसा कुछ करके कटिंग सेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ए पोर्शन और ए पोर्शन दो पोर्शन में ओवरलैप हो गया है, रोटेट करके अगर आप देखोगे तो देखिए ऐसा कुछ पोर्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, देखिए ये रहता है स्लॉट, ठीक है, स्लॉट वाला पोर्शन हो जाने के बाद क्लियर है, स्लॉट सबका क्लियर है, स्लॉट सबका क्लियर है, देखिए एकदम जैसा रिब जैसा होता है वैसा ही है, ठीक है, रिब क्या होता है एक सॉलिड पोर्शन ड्रॉ करने के लिए जैसा कि पाइप, और स्लॉट क्या है किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट से अगर आपको कुछ पोर्शन रिमूव करना है वो आप पाइप के शेप में भी कर सकते हो, या चाहो तो आप रेक्टेंगुलर शेप बोलो या फिर ट्रायंगुलर कोई भी शेप उसमें से भी कर सकते हो, आप चाहो तो इंटरनल भी कर सकते हो जो बाहर से नहीं दिख पाओगे मगर अंदर से हो जाएगा, इंटरनली अगर करना चाहते हो तो मैं फिर से और एक बार दिखाता हूँ, देखिए ए पोर्शन को मैं कट कर देता हूँ, कट कर दिया, देन स्टार्ट मैकेनिकल देन पार्ट, देन इसको मैंने ओके कर दिया, ओके करने के बाद ये जो कोई भी फेस सिलेक्ट करो, आई मीन प्लेन सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद सेंटर रेक्टेंगल, देन यहाँ पे एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, सेंटर रेक्टेंगल यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ करने के बाद आप इसको एग्जिट करो, एग्जिट करने के बाद इसका कुछ हाइट डालो, हाइट डालो कितना हाइट देना चाहते हो आप यहाँ पे दे सकते हो, तो सपोज मैं इसका हाइट कुछ 20 है, कुछ इंक्रीज कर दिया हाइट, चलो मैंने इसका हाइट दे दिया 50 दे दिया, ठीक है लगभग 50 मैंने यहाँ पे दे दिया, तो 50 देने के बाद यहाँ पे इसको ओके कर दिया, 50 देने के बाद देखिए ये तो 50 मैंने दे डाल दिया, 50 देने के बाद आप क्या करोगे, इस अंदर से मैं एक
स्लॉट कट करना चाहता हूँ अंदर से, आई मीन होल कट हो जाएगा, स्लॉट मतलब अंदर से कट हो जाएगा, तो उसके लिए आप क्या करना है, मिडिल में एक प्लेन लेना चाहिए, जिस प्लेन के बेस करके, जिस प्लेन को बेस करके आप जो आपका पाथ डिजाइन होगा वो पाथ डिजाइन आपको ड्रॉ करना चाहिए। तो मिडिल में एक प्लेन अगर लेना चाहते हो तो मैंने ये डिजाइन किया था ए एक्स वाई वाला पोर्सन को सिलेक्ट करके, आई मीन टॉप प्लेन को सिलेक्ट करके, तो टॉप प्लेन को आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे, टॉप प्लेन को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। देखिए टॉप प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाओगे, जाने के बाद आप लिखोगे सी कोलोन प्लेन, सी कोलोन पी एल ए एन ई, सी कोलोन प्लेन, देन एंटर। देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस टॉप प्लेन को बेस करके इसका टोटल मैंने हाइट दिया था रेक्टेंगल करने के बाद पैड में जाकर हाइट दिया था 50। अगर मिडिल में मुझे एक प्लेन लेना है, देखिए ये तो एक प्लेन आ रहा है मगर मुझे पूरा पूरी मिडिल में लेना है, तो मिडिल में लेने के लिए हम ऑफसेट वाला वैल्यू डालेंगे 25, और ये जो प्लेन बन रहा है देखिए एकदम मिडिल में बन जाएगा 50 का एकदम मिडिल में, क्योंकि मैंने एक्स वाई को बेस करके प्लेन लिया है। तो करने के बाद आप इसको क्या करोगे, ओके करोगे, तो ये जो प्लेन बना है देखिए, ये जो मैंने प्लेन जो बनाया है एकदम मिडिल में है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो मिडिल वाला प्लेन है इसको आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद स्केच में आके क्लिक करो, वो देखिए एकदम मिडिल में प्लेन बन जाएगा। देन इसके अंदर आपको कुछ प्रोफाइल ड्रॉ करना, सॉरी पाथ ड्रॉ करना है, तो पाथ ड्रॉ करने के लिए स्लाइन में आओ, किसी भी एक पोर्शन को सिलेक्ट करो, देन यहाँ पे देखिए कुछ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप किसी भी पाथ डिजाइन कर सकते हो कोई भी। तो देखिए ऐसा कुछ पाथ मैंने ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ करने के बाद ये तो पाथ हो गया, आपको क्या करना है, प्रोफाइल ड्रॉ करना है, तो इसको एग्जिट करो, और ये देखिए जो पाथ मैंने ड्रॉ किया है ये है सॉलिड बॉडी के एकदम मिडिल से, मतलब आप देख सकते हो अंदर से पाथ डिजाइन हुआ है, और यहाँ पे मुझे एक प्रोफाइल ड्रॉ करना है। तो आप क्या करोगे, ये जो फेस है इस फेस को आप सिलेक्ट करो, करने के बाद नॉर्मल टू में क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ये है मेरा फेस। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है देखने में तो थोड़ा रोटेट कर सकते हो, अब मैं यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल बनाऊंगा इस फेस को बेस करके, यहाँ पे जो फेस है इस फेस को बेस करके सेंटर रेक्टेंगल में यहाँ पे डाल दिया, ऐसा कुछ सेंटर रेक्टेंगल डालने के बाद इसको आप एग्जिट करो। तो देखिए ए हो गया है प्रोफाइल और ए हो गया पाथ, तो आप वैसे ही करो स्लॉट जैसा होता है, स्लॉट को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद प्रोफाइल कौन सा है, प्रोफाइल है ए, और पाथ कौन सा है, पाथ होगा ए। तो देखिए लास्ट तक चल गया, देन इसको ओके करो, तो देखिए अंदर से कट हो गया, अगर आप ये सर्कुलर शेप देते तो सर्कुलर शेप से भी कट होता, अंदर से देखिए, देखिए पूरा पूरी आप देख नहीं पाओगे क्योंकि कार्व लाइन था, तो कार्व लाइन के दौरान ये जो कट हुआ है कार्व विकल कट जैसा पाथ था वैसा ही हुआ है। अगर आप देखना चाहते हो तो क्या करोगे, अच्छा पहले प्लेन वाला पोर्शन सब हाइट कर देता हूँ, यहाँ पे भी तीन प्लेन है इसको भी मैंने हाइट कर दिया, देखिए हाइट कर दिया। देन इसमें अगर आप कलर देना कलर मतलब ट्रांसपेरेंसी कर दो, इंटरनल वाला सेक्शन आप दिख पाओगे, प्रॉपर्टी में जाओ, जाने के बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कर दो, देन देखो एक पोर्शन आप दिख पाओगे, पोर्शन अगर ट्रांसपेरेंसी कर दिया तो देखिए अंदर वाला सेक्शन में कैसा कट हुआ है वो आप दिख पाओगे। तो फिर से इसमें आओ, आने के बाद प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद इसको मैंने फिर से हाई कर दिया ट्रांसपेरेंसी, तो देखिए ऊपर वाला सेगमेंट से भी आप नीचे वाला हिस्सा देख सकते हो, देखिए कैसे करके है। फिर से मैंने इसको रोटेट कर दिया, रोटेट करने के बाद इस पोर्शन को सिलेक्ट किया, करने के बाद प्रॉपर्टीज, देन ए पोर्शन भी ट्रांसपेरेंसी को मैंने हाई कर दिया, देन ओके, और ये जो पोर्शन है इसको भी मैंने सिलेक्ट कर लिया, देन प्रॉपर्टीज, देन ट्रांसपेरेंसी मैंने हाई कर दिया, हाई करने के बाद ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पे देखिए हर एक पोर्शन में देखिए ट्रांसपेरेंसी करने के बाद आपका इंटरनल पार्ट कुछ इस टाइप का डिजाइन हुआ है, ठीक है, इंटरनल पार्ट में देखिए कुछ इस टाइप का कुछ ऐसा मैंने डिजाइन मतलब बनाया है। ओके तो ये हो गया है मेरा स्लॉट कट करके ऐसा कुछ डिजाइन मैंने हम लोग बना दिया। तो चलो स्लॉट हो गया, स्लॉट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोग जो थ्रेड डिजाइन करते हो ना, थ्रेड थ्रेड मतलब जो देखोगे नॉट बोल्ट के ऊपर में जो थ्रेड टाइप का पोर्शन रहता है, वो थ्रेड डिजाइन करने के लिए भी हम लोग स्लॉट यूज कर सकते हैं, थ्रेड डिजाइन, ठीक है। तो देखो थ्रेड डिजाइन कैसे कर सकते हो, स्लॉट में कैसे थ्रेड डिजाइन करोगे वो ही एक बार देखो फिर से। थ्रेड डिजाइन स्प्रिंग, तो रिप वाला पोर्शन से तो आप लोग स्प्रिंग कर लिया, अब थ्रेड कैसे ड्रॉ करोगे स्लॉट से वो एक बार देखो।
तो मैंने स्टार्ट में चल गया मैकेनिकल, देन पार्ट डिजाइन, देन ओके कर दिया। करने के बाद देखिए, मैं यहाँ पे कुछ थ्रेड वगैरह पोर्शन आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। तो थ्रेड करने के लिए पहले किसी भी एक पोर्शन को आप सिलेक्ट करो, जैसा कि मैंने यहाँ पे टॉप प्लेन आई मीन एक्स वाई को सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद स्केच, देन यहाँ पे सर्किल, सेंटर पॉइंट को बेस करके एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे डायमेंशन डालो, यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ 200। 200 ज्यादा हो जाएगा, 100 करो। 100 डाया, लेके एक शाफ्ट ड्रॉ कर लिया। 100 डाया, ओके शाफ्ट कर लिया। और देन इस हिसाब से एक हाइट डालता हूँ इसके ऊपर, चलो इसमें 500 अगर डाल दिया तो देखो कितना दूर जाता है। छोटा करो थोड़ा, इसमें मैंने इसका हाइट डाल लिया 500। 100 डाया, 100 डाया, देन हाइट कर दिया था 500, हाइट कर दिया था 500, हाइट दे दिया 100 डाया एंड 500 हाइट, देन इसको ओके। तो ऐसा जब कुछ एक शाफ्ट टाइप का पुट बन जाएगा, इस शाफ्ट के ऊपर ही क्या होगा, थ्रेड टाइप का कुछ डिजाइन हम लोग को करना है। तो देखो मैकेनिकल का इंपॉर्टेंट पार्ट है थ्रेड, कैसे करता हो करोगे देखो। तो किसी भी एक पारपेंडिकुलर प्लेन को सिलेक्ट करो, जैसा कि वाई जेड वाला पोर्शन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, पारपेंडिकुलर वाला प्लेन। सिलेक्ट करने के बाद स्केच, डाया कितना दिया था, डाया दिया था 100, डाया दिया था, दैट्स मीन रेडियस कितना होगा, 50 होगा रेडियस। 100 डाया दिया था, रेडियस हो जाएगा 50। तो आप क्या करोगे, सर पॉइंट यूजिंग कोऑर्डिनेट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, हॉराइजेंटल में वैल्यू दे देता हूँ 50, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में 50 वैल्यू, वर्टिकल में 0, देन ओके। तो देखिए ए पॉइंट को बेस करके, ए कॉर्नर को बेस करके एक पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे। तो इसको आप एग्जिट करो, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया है। अब आपको क्या करना है, थ्रेड मीन्स क्या है, एक वन टाइप ऑफ हेलिक्स। तो यहाँ पे जाओ, जाने के बाद लिखो सी कोलोन प्लेन, PLANE, देन एंटर। पॉइंट कौन सा रहेगा, सॉरी प्लेन नहीं, थोड़ा गलत हो गया, हेलिक्स लिखना है, सी कोलोन हेलिक्स, HELIX, सी कोलोन हेलिक्स। तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट रह जाएगा ए, और उस हिसाब से पिच तो मैं डाल दूंगा। और यहाँ पे एक्सिस देखो कौन सा एक्सिस होगा, जेड एक्सिस। तो यहाँ पे आके आप जेड एक्सिस को सिलेक्ट करो। हाइट कितना होगा, टोटल हाइट है मेरा 500, तो मैं यहाँ पे 500 दे दिया, डाल दिया। तो देखो एकदम अप टू लास्ट हो रहा है, मगर पीच का वैल्यू यहाँ पे कुछ बढ़ाना चाहिए। तो देखिए पीच में यहाँ पे इंक्रीज करता हूँ, पीच का वैल्यू सपोज यहाँ पे मैंने पीच का वैल्यू कितना दे दिया, पीच का वैल्यू दे दिया 20, ठीक है, पीच का वैल्यू मैंने दे दिया 20, देन इसको आप ओके करो। तो देखो सर्कल के ऊपर में ऐसा कुछ कार्व वाला पोर्शन आ जाएगा। देन मुझे जैसा मैंने पहले डिजाइन किया था हेलिक्स वगैरह, मतलब स्प्रिंग ड्रॉ करने के लिए जैसा मैंने प्लेन वगैरह लिया था, यहाँ पे भी वैसा ही लेना है। तो ये लास्ट जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप हाइट करो, इस पॉइंट को आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद हाइट करो पॉइंट, देन यहाँ पे आप लिखो सी कोलोन प्लेन, सी कोलोन PLANE, सी कोलोन प्लेन, देन एंटर। कौन सा होगा, पहले आपको स्प्रिंग सिलेक्ट कर लेना है। तो देखोगे ग्रीन कलर का प्लेन आ जाएगा, और इसका जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट कौन सा, ए एंड पॉइंट, देन ए एंड पॉइंट आपको सिलेक्ट करना है। तो एंड पॉइंट को बेस करके और एक प्लेन आ जाएगा, देन ओके। और उसके बाद ये जो प्लेन है, इस प्लेन को आप सिलेक्ट करो, ए प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद स्केच में आके क्लिक करो। तो देखिए स्केच में आके सिलेक्ट करने के बाद देखिए सामने में मेरा प्लेन आ गया है। देन थोड़ा जूम कर लेता हूँ, जूम करने के बाद यहाँ पे मुझे प्रोफाइल ड्रॉ करना है। तो सपोज सर्कुलर प्रोफाइल, क्योंकि थ्रेड वगैरह जो भी होता है वो सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर स्लॉट भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर प्रोफाइल भी हो सकता है। तो मैक्सिमम हम लोग जो करते हैं
सर्कुलर प्रोफाइल ही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर्कुलर को सिलेक्ट करो, देन यहाँ पे आके एक सर्किल ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के बाद इसका कुछ डायमेंशन वगैरह दे देता हूँ। यहाँ पे पीच दिया था 20, तो डाया में यहाँ पे दे रहा हूँ 20, डाया 20, दैट्स मीन। अच्छा, पीच 20, डाया 20 देने से क्या हो जाएगा, सेंटर टू पेरीफेरी, सेंटर टू पेरीफेरी हो जाएगा 10, और इसका भी सेंटर टू पेरीफेरी 10, तो टच टू टच हो जाएगा, टच हो जाएगा तो थ्रेड नहीं बन पाएगा, तो 20 से कम देना पड़ेगा। सपोज मैंने यहाँ पे अगर डाया दे दिया 10, देखो थोड़ा डाया अगर 10 मैंने दे दिया तो क्या होगा, डाया 10 मीन सेंटर टू पेरीफेरी रहेगा 5, और यही सर्कल ए पोर्शन को भी कवर करके जाएगा, तो इसमें भी सेंटर टू पेरीफेरी रह जाएगा 5, तो इसमें भी 5 आ गया है, इसमें भी 5 आ गया है, तो 5 और ए 5 मिला के हो जाता है 10। तो टोटल पिच कितना था, टोटल पिच था आपका 20 का पिच था, तो टोटल 20 का अगर पिच था तो यहाँ से 5 और ऊपर से भी 5 अगर चल जाए तो 10 चल जाता है, 20 से अगर 10 कट करोगे तो रह जाता है 10। तो आपका जो पिच का मतलब जो थ्रेड रहेगा, थ्रेड का थिकनेस रह जाएगा 10 मिलीमीटर करके, थ्रेड का थिकनेस रह जाएगा। ठीक है, अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ से भी 5, एक कवर करके ऊपर से भी जाएगा तो सेंटर टू पेरीफेरी वो भी 5 रहेगा, तो 5 और 5 मिला के टोटल हो जाता है 10, और मैंने पीच दिया था 20, तो 20 से अगर ये 10 कट करोगे तो रह जाएगा 10, आई मीन जो थ्रेड का जो थिकनेस रहेगा, थ्रेड का थिकनेस रह जाएगा 10 मिलीमीटर। तो इतना दूर हो जाने के बाद आप इसको एग्जिट करो। एग्जिट करने के बाद हम कहा, ये देखिए जो स्लॉट वगैरह फोर्स है इसमें जाओ, जाने के बाद प्रोफाइल को पहले सिलेक्ट करो, देन पाथ कौन सा है, पाथ है ए, इसको आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद देखोगे कट हो जाएगा, देखिए ये ऐसा कुछ कटिंग वाला सेक्शन आ जाएगा, तो थोड़ा छोटा करो। अच्छा, डायरेक्टली आप ओके कर दो, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखो क्या होता है, ओके करने के बाद देखोगे ऐसा कुछ थ्रेड टाइप का पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, ये जो हो गया है पूरा थ्रेड। ठीक है, ये पोर्शन को आप हाइट करो, और इसको अगर आप रोटेट करके देखोगे तो देखिए ऐसा कुछ थ्रेड टाइप का पोर्शन यहाँ पे बन जाएगा, थ्रेड टाइप का पोर्शन बन गया है, मगर मैंने यहाँ पे थिकनेस डाल दिया था थ्रेड का, जो यहाँ पे जो बीच का जो गैप होगा वो गैप हो जाएगा 10 मिलीमीटर्स। देखिए ये जो गैप है 10 मिलीमीटर्स, और भी कम करना है तो मैं यहाँ पे कुछ एडिट वगैरह कर देता हूँ। स्लॉट, स्लॉट में जाके स्केच, स्केच में जाके यहाँ पे जो अगर मैं स्केच को एडिट करता हूँ, देखिए एडिट, ऐसा नहीं, एग्जिट करो। एडिट स्केच, एडिट स्केच 3, हाँ या फिर 10 था ना, 10 को कुछ ज्यादा इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, 10 के बदले में मैं अगर 15 डाल देता हूँ तो 15 देना, ओके 15 डालने के बाद एग्जिट करो। आप थ्रेड देखो और भी छोटा आ गया है, एडिट करके कर दिया, तो ये रह जाता है आपका थ्रेड, वो आप स्लॉट से भी कर सकते हो। लास्ट जो पोर्शन थोड़ा जल्दी में हो गया है, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग एक बार वीडियो रिकॉर्ड देख लेना, अगर समझ में नहीं आया तो मैं कल मैं फिर से थ्रेड वाला पोर्शन आपको फिर से दिखाऊंगा। ठीक है, आप देख सकते हो इसके ऊपर देखिए एक थ्रेड वगैरह यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अगर कलर वगैरह अगर देना चाहते हो तो इसमें सिलेक्ट करो, देन शेडिंग मटेरियल, और इसमें आके पेंट, देन ब्लू, देन ओके। देखने के लिए आपको शेडिंग विथ मटेरियल में आना है, तो देखिए ऐसा कुछ थ्रेड यहाँ पे बन जाएगा। जो नॉट बोल्ट में ऐसा ही कुछ थ्रेड वगैरह रहता है। ठीक है, और ये तो सपोज से बोल्ट वाला पार्ट हो गया, नॉट जब आप करोगे तो इंटरनली थ्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो एक्सटर्नल थ्रेड हो गया है, वहां पे इंटरनल थ्रेड होगा, एक अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज करके आपको यहाँ पे अटैच करना है। तो बहुत सारा स्टूडेंट कम हो गया, 73 हो गया है, तो गाइस क्लियर है, मतलब आज का आज ने आज मैंने जितना दिखाया, मतलब स्लॉट, रिप या फिर ऊपर में ग्रूव, ये तीन पोर्शन आज हुआ है, ग्रूव हुआ है, रिप हुआ है और स्लॉट हुआ है।
क्लियर है ना सबको? अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में जाओ, जाकर सबको बोल रहा हूँ लिखो क्लियर। अगर किसी का कोई भी दिक्कत हुआ या फिर क्वेश्चन रहा तो मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। अगर क्लियर है तो सब जाओ जाके चैट बॉक्स में लिखो क्लियर। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कर सकते हो। सर दूसरा एक बार इसी तरह बता दीजिए। हाँ हाँ हेलो हेलो, ठीक ठाक से बोलो। हेलो, हाँ सर दूसरा और एक तो इसी टाइप से बता दीजिए। दूसरा और एक कौन सा वाला बोलो। हेलो, थ्रेड थ्रेड का ही थ्रेड का। थ्रेड का फिर से और एक बार। अच्छा चलो, थ्रेड का टाइम है अभी तक 5 मिनट लगभग टाइम है, तो थ्रेड का मैं पोर्शन और एक बार दिखा देता हूँ आप लोग को, ठीक है? कि वो थोड़ा जल्दबाजी में हो गया है, तो चलो फिर से मैं दिखा रहा हूँ थ्रेड वाला। वो थ्रेड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, देखिए फिर से मैं थ्रेड दिख रहा हूँ, देखिए। प्रैक्टिस करोगे घर में, नहीं तो कुछ नहीं होगा। एक पार्ट डिजाइन पहले ओपन करोगे, करने के बाद कोई भी एक पोर्शन सिलेक्ट करो, जैसा कि ए पोर्शन सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद नॉर्मल टू। देन यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे एक सेंटर को मेंटेन करके डाया देता हूँ 100, वही थ्रेड में दिख रहा हूँ जैसा मैंने किया था, 100 दे दिया डाया। और इस हिसाब से मैं इसका कुछ हाइट डालूंगा, क्योंकि वो वाला डिजाइन में मैंने हाइट दिया था 500, तो इसमें कुछ अलग दे देता हूँ, 500 के बदले में दे देता हूँ 1000, ठीक है? हाइट दे दिया 1000 हाइट, तो इसको थोड़ा छोटा करो, तो देखो ये जो शाफ्ट बनेगा बहुत ही लंबाई में बन जाएगा, देखिए इतना बड़ा शाफ्ट बन गया है। 1000 इसका हाइट दे दिया था। तो देने के बाद थ्रेड करने के लिए पहले मुझे क्या हेलिक्स डिजाइन करना है, तो इसके लिए इसका कोई भी एक पारपेंडिकुलर प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ, देन नॉर्मल टू डाया 100, देन रेडियस कितना होगा 50 होगा, तो पॉइंट यूजिंग कोऑर्डिनेट, देन 50 हॉराइजेंटल में 50, वर्टिकल में 0, तो मुझे इस कॉर्नर में पॉइंट ले आना है, तो हॉराइजेंटल में 50, वर्टिकल में मैंने 0 डाल दिया। देने के बाद आप ओके करो, ये पॉइंट आ जाएगा। आने के बाद इसको आप एग्जिट करो, एग्जिट करने के बाद ए पोर्शन में आओ, कमांड में आओ, आने के बाद लिखो सी कोलोन हेलिक्स, सी कोलोन हेलिक्स, एच ई एल आई एक्स, सी कोलोन हेलिक्स, देन एंटर। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, स्टार्टिंग पॉइंट रह जाएगा ए। एक्सिस कौन सा रहेगा, एक्सिस रह जाएगा जेड, तो इसमें सिलेक्ट करके मैंने जेड डाल दिया। अच्छा, मैंने पिच का वैल्यू कितना दिया था, पहले वाला डिजाइन में दिया था 20, तो 20 पीच का वैल्यू 20 दे दिया। और हाइट कितना है, हाइट है 1000, 1000 हाइट, तो देखिए एकदम लास्ट तक चल जाएगा, एकदम लास्ट तक चल जाएगा, 1000 हाइट लास्ट तक चल गया। जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इसको ओके कर देना है, ओके कर दिया। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको हाइट कर देना है, राइट क्लिक कीजिए, करने का हाइट दे दिया। और इस हिसाब से एक कॉर्नर में, आई मीन एंड पॉइंट में एक आपको प्लेन लेना है, तो एंड पॉइंट में प्लेन लेने के लिए आपको क्या करना है, नया प्लेन लेना है, तो यहाँ पे लिखिए सी कोलोन पी एल ए एन ई, सी कोलोन प्लेन दे दिया, देने के बाद एंटर कर दिया। देखिए ऐसा कुछ जब आ जाएगा, पहले आपको क्या करना है, हेलिक्स वाला प्रोफाइल पहले आपको सिलेक्ट कर देना है, हेलिक्स को सिलेक्ट कर लिया, और देन इसका जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट को सिलेक्ट करो, तो एंड पॉइंट को वेस्ट करके एक प्लेन आ जाएगा, देन ओके। और ये जो एंड पॉइंट को बेस करके मैंने जो प्लेन ले आया है, इस पोर्शन को आप फिर से सिलेक्ट करो, देन स्केच में आके क्लिक करो, सामने में आ जाएगा। देन मैंने यहाँ पे सर्कल को फिर पहले 10 किया था, देन एडिट करके 15 लिया था, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक सर्कल लेता हूँ जिसका डाया मैं 15 दे देता हूँ, तो सर्कल को सिलेक्ट करके इस पोर्शन को बेस करके एक सर्कल ड्रॉ करो जिसका डाया हो जाएगा 15, तो 17 है, डबल क्लिक करके 15 डालो, 15 डाया, डाया देने के बाद ओके करो, करने के बाद इसको एग्जिट करो, एग्जिट होने के बाद लाइन प्लेन जो है प्लेन को हाइट कर दो, तो ए हो गया है प्रोफाइल और ए हो गया है पाथ। तो प्रोफाइल और पाथ को बेस करके हम लोग क्या करेंगे, स्लॉट डिजाइन करेंगे, स्लॉट डिजाइन, तो यहाँ पे आ जाओ स्लॉट,
देन प्रोफाइल कौन सा है, प्रोफाइल है ए, और पाथ कौन सा है, पाथ है ए। देन इसको सिलेक्ट करने के बाद, बड़ा डिजाइन है ना, थोड़ा हैंग करेगा, ठीक है, जितना डिजाइन साइज में बड़ा होगा उतना हैंग करेगा। तो देखिए आ गया है, देन इसका ओके करो, थोड़ा हैंग करेगा लेने के लिए, आ जाएगा, देखिए आ गया है। देन इसमें मैं क्या करूंगा, ये जो तीन प्लेन है, तीन प्लेन को हाइट करूंगा वन बाई वन, तीन प्लेन को मैंने हाइट कर दिया। हाइट करने के बाद देखिए जब थ्रेड आ जाएगा तब इसको पार्ट बॉडी में सिलेक्ट करो, देन यहाँ पे आके मेटेरियल अप्लाई करो। मेटेरियल में आके आप कोई भी पोर्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो, मेटल पेंट में आके देखिए इतना सारा पोर्शन है, तो कोई सिलेक्ट कर देता हूँ देखने के लिए। सेटिंग विथ मेटेरियल, मेटेरियल में डाल दिया, तो छोटा करता हूँ थोड़ा, देखिए इतना बड़ा थ्रेड हो गया, 1000 का तो हाइट दिया था ना, तो इतना बड़ा बन गया है। देन इसको हम रोटेट करके दिखाएंगे, तो रोटेट, देन देखिए रोटेट करके अगर आप देखोगे तो देखिए इसके ऊपर पूरा थ्रेड डिजाइन हो गया है। आप टू लास्ट फिर से जूम कीजिए, देखिए थ्रेड डिजाइन हुआ है, थ्रेड, ठीक है, ऐसा करके थ्रेड डिजाइन होता है। और लेथ का जो होता है ना, लेथ का जो स्पिंडल वगैरह पोर्शन रहता है, ऑटोमेटिकली कोई भी ऑपरेशन करने के लिए हम लोग तो ऐसा ही देखोगे, स्पिंडल में देखोगे इतना ऐसा कुछ थ्रेड डिजाइन होता है, उसका प्रॉपर वैल्यू रहता है। अगर हम लोग के पास प्रॉपर वैल्यू रहेगा तो उस प्रॉपर वैल्यू के हिसाब से हम लोग भी थ्रेड डिजाइन करेंगे। तो देखिए ये हो गया थ्रेड वाला, तो क्लियर है ना सबका? अगर सबको क्लियर है तो चलो ओके। कल फ्राइडे है, देखो आज 4 दिन क्लास हो गया, देन 8 घंटा कवर हो गया, ठीक है, और कल अगर होगा तो 5 दिन, आई मीन 10 घंटा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हर दिन देखिए कुछ ना कुछ मैं दिख रहा हूँ, तो आप लोग को प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, देखोगे एक के बाद एक ओवरलैप हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाओगे। लास्ट पोर्शन में तो और भी कुछ पोर्शन आएगा और टॉप पोर्शन आ जाएगा, तो इसलिए बेहतर होगा जितना दूर मैं दिख रहा हूँ घर में डाउनलोड करो। इवनिंग में वीडियो रिकॉर्ड में दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड करो या फिर लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग देखो, देखने के बाद आप लोग ट्राई करो घर में, ठीक है, देखो सब कुछ हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा, ओके। अगर कुछ दिक्कत हुआ, प्रॉब्लम हुआ तो मुझे फोन कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप में आप अपना प्रॉब्लम लिख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर से कल फिर से ज्वाइन करो सेम टाइम, और लिंक भी सेम ही रहेगा, ठीक है, ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट क्लास में बाद बाकी जो पोर्शन है, जैसा कि बाद बाकी पोर्शन यहाँ पे स्लॉट होने का, मल्टी सेक्शन सॉलिड, सॉलिड कॉम्बाइन, मल्टी सेक्शन सॉलिड और रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड, ये नेक्स्ट डे में करने के बाद कुछ छोटा मोटा करके कुछ 3D वाला पोर्शन भी हम लोग दिखाएंगे, मतलब असाइनमेंट स्टार्ट कर देंगे अगर हो जाए तो ये वाला पोर्शन। तो गाइस आज इतना ही, ठीक है, थैंक यू, कल फिर से ज्वाइन करो, ठीक है, ओके, चलो, ओके सर, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू, प्रैक्टिस करना, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रैक्टिस करना सब लोग।